बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। करी है आया चार सू, तेरी जलवा करी
आप सब लोगों को जो जो हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों को 17वें रमज़ान की इफ्तार बहुत ज़्यादा मुबारक हो। इफ्तार ट्रांसमिशन में हम आपको खुश आमदीद करते हैं और हमज़ा अकरम कव्वाल आज हमारे साथ है। माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत अच्छा पढ़ा और ये यंगेस्ट कव्वालों में से एक हैं और इन्होंने इतनी ही उम्र में, इन भाइयों ने, इन चार भाइयों ने इतना नाम कमा लिया। वैसे मुझे बताएं हमज़ा, ये आप चार हैं या माशाल्लाह से और भाई भी हैं? नहीं, हम चार भाई, चार भाई हैं बस। उन्होंने नहीं पढ़ा, वो भी ट्रेनिंग में है। और पूरी मैं इसमें कव्वाली में मैं छोटू को देखती रही हूँ, मैंने कहा ये अब ये भी कहीं तान लगा दे भी कहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके पढ़ने का मुझे बड़ा इंतज़ार है। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। और बिलाल भी आज का जो हमारा टॉपिक है ये सब्र और जबर है। सब्र और जबर,
और मुझे यूँ लगता है कि सब्र और जबर सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही पता होना चाहिए, क्योंकि जितनी साबिर ये कौम है माशाल्लाह ताला, और कोई कौम नहीं है। ये वाहिद कौम है जो बिजली के पूरे पैसे देती है और हुकूमत से बिजली नहीं मांगती, हुकूमत से कहती है कि हमें लोड शेडिंग का शेड्यूल दे दो। कमाल बात है ना, लोग टैक्स देते हैं तो चीज़ डिमांड करते हैं, हम चीज़ नहीं डिमांड करते, हम कहते हैं जितना जबर हम पे करना है सिर्फ जबर करने का शेड्यूल दे दो, बाकी ठीक है। राइट मांगना एक बहुत बड़ा फ़न है कि आप अपने हक को जानते हों और हक को मांग सकें, और ये बहुत बड़ा इल्म है कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि आप पे जबर हो रहा है या आप अपनी ख्वाहिशों से खुद पिट रहे हैं। आज इस बात को करेंगे आज, और ये भी देखेंगे कि जो सब्र करते हैं उनका क्या सिला है, और जो जबर करते हैं वो कितना दोजख में चलेंगे, वो कितनी लोगों की आहें लेते हैं। आज हम इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो हमारा सेगमेंट है जो कि हम सबका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, हम आपको उसकी तरफ लिए चलेंगे, सहल रमज़ान की तरफ। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर बिल्की। सलाम बिल्की साहबा, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक बिल्की साहबा। आज क्या क्या बताने जा रही हैं, कौन सी मुफीद चीज़ें आवाम तक पहुंचा रहे हैं? आज मैं मेथी दाने से, मेथी के कुछ राज जो शायद आप नहीं जानते हो उसके बारे में बताऊँगी। देखिए, हमारे यहाँ पोल्यूशन इतना है, आपने जबर और सब्र की बहुत अच्छी मिसाल दी बिलाल भाई, लेकिन पोल्यूशन भी बहुत है। डस्ट, डस्ट एलर्जी, मेरे ख्याल में कोई घर ऐसा नहीं जहाँ किसी बच्चे को या बुज़ुर्ग को या किसी को नहीं हो। तो मेथी दाने से अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, डस्ट तो एलर्जी से कैसे कर सकते जी बिल्कुल, डस्ट एलर्जी के लिए बहुत और मास्टर से पूरा कराची खुदा हुआ है जी, तो इतनी धूल मिट्टी है तो लोगों को वैसे से भी थोड़ी बहुत एलर्जी तो हो जाती है। जो ये डस्ट एलर्जी के लिए मैं बता रही हूँ, हवा ही साफ नहीं कि हम सांस ले सकें इसमें। बिल्कुल, तो उसके की वजह से लंग्स मतलब एकदम खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार जो भी है, अल्लाह गफुर रहीम के हुक्म से इस जो ये जो रेमेडी है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये सब के लिए, 2 साल से बड़े बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बुज़ुर्गों को भी दे सकते हैं, कोई भी अद्वियात आप इस्तेमाल करें उसके साथ आप दे सकते हैं। पहली चीज आप हम क्या बना रहे हैं? उस भी डस्ट एलर्जी के लिए चाय बता रही हूँ मैं, पूरे कराची वाले गौर से सुन रहे हैं और इसको बना के पिए। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें मेथी दाना, पानी उबलते हुए पानी में, उबलते हुए पानी में डाला, मेथी दाना डाला, इसमें कलौंजी है, कलौंजी 1/4 टीस्पून लेना है, मेथी दाना 1/2 टीस्पून लेना है, ठीक है। इसमें कांसनी हम लेंगे 1/2 टीस्पून कांसनी, इसमें पहाड़ी पुदीना 1 टीस्पून, ठीक है, और इसमें आंवला पाउडर, आंवला पाउडर 1/2 टीस्पून। आंवला पाउडर वैसे भी अवेलेबल होगा पंसार से, ये तो नहीं मिलावट तो नहीं करके देते? नहीं, आंवला आप ऐसा करें, साबुत आंवला घर पे लाएं, घर पे ला के उसको कूट लें, उसके बीज अलग कर लें, तो वो आपका आंवला पाउडर बहुत ही आपकी बहुत सारे अमराज के लिए बहुत अच्छा है। सही, आंवला पाउडर 1/2 टीस्पून आपने डाला, इसको पका लें, पका के जैसे आपने 2 कप पानी में इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए, आधा कप सुबह आधा कप शाम, शहद से मीठा करके पी लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। ये एक हो गई हमारी डस्ट एलर्जी की चाय, और भी बहुत सारी चीज़ें, मेथी दाना सबको पता है कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूँ जितनी खसूसियात मछली में है, अगर जड़ी बूटियों में देखा जाए तो मेथी में वही सारी चीज़ें जो आपको मछली से मिलती है, वही सारी चीज़ें आपको मेथी दाने से मिलती है। बहुत सारे अमराज में आप मेथी दाना कैसे इस्तेमाल करें वो मैं बता देती हूँ। ख़वातीन के लिए बहुत अच्छा है, और मेथी आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा है। एक इसका राज एक मैं बता देती हूँ तरीका, आपने क्या करना है, मेथी दाना आपने उसको भिगो देना है रात भर, 1 टीस्पून आपने मेथी दाना लिया, इसमें आप आंवला पाउडर ले लें, और आंवला पाउडर 1/4 टीस्पून, ठीक है, आपने आंवला पाउडर ले लिया। शिफा के लिए सिर्फ 7 दाने आपने कलौंजी के डाल दिए, और ये गिन के जी, गिन के 7 दाने आपने डाल दिए। वैसे अल्लाह का करना ऐसा होता है, अल्लाह गफूर रहीम का, कि आप जो ये इतनी पिंच लेते हैं इसमें तकरीबन 7 से 8 दाने होते हैं, ठीक है। आपने ये ले लिया, इसमें आप पानी डाल के, ये रहा पानी मेरा, हम इसका पानी डाल जी, रात भर के लिए भिगो दें। अच्छा, पहले भी इसको हमने रात भर भिगोया हुआ था जी, और फिर हम उसको भिगो दें जी, भिगो दें,
ठीक है, आपने भिगो दिया मेथी दाना, आमला पाउडर, कलौंजी और बस पानी। बस अच्छा, ये आपके लिए आबे शिफा का काम करेगा, बहुत सारे अमराज से आपको बचाएगा। जो वो बीमारियां जो मतलब कि आपकी हेरिडिटी में है, जैसे किसी लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर के अमराज है, एक वक्त आके हो जाता है, उन सब से आपको बचाने के लिए ये आपने रात को भिगोया, सुबह अल्लाह शाफी अल्लाह काफ़ी कह के हल्का सा नीम गर्म पानी पिया, उसके बाद आपने। अच्छा, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि ये मेथी दाना भी पीना है, मैं कहा पीना है खाना है, इसके आधे घंटे तक कैफीन की कोई चीज़ नहीं, चाय आप लोग नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। आधे घंटे के बाद जो नाश्ता आपको करना है आप कीजिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, एंटी एजिंग है, आपके बहुत सारे ऐसे अमराज जो एक वक्त पे जाके आने उससे बचाने के। अच्छा, आप मेथी दाने से वजन कम किया जा सकता है? जी बिल्कुल कम किया जाता है। ये जो डस्ट एलर्जी की चाय बनी है, ये वेट रिडक्शन के लिए भी बेहतरीन चाय है, इसको पीने से वजन कम होगा, लेकिन वजन कम सिर्फ बैठने से नहीं होगा, इसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज, और कितना कुदरत का अनमोल तोहफा है कि आप इसको सर पे, आप अपने सरसों के तेल में इसको डाल लें, वो सर पे लगा लें तो अच्छा है, पीने सांस अच्छा, के लिए एक अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा। एक स्किन के लिए बताएं, स्किन मैं आपको बताती हूँ, जिनके गैर जरूरी बाल हैं, ठीक है, गैर जरूरी मेथी, मैं गैर जरूरी बालों का जरूर बताएंगे, मैं पहले कॉल ले लूँ, गैर जरूरी बालों का भी मेथी दाना से आप इलाज बताएंगी। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बात कर रही है? मैं फरजाना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरजाना, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बल्कि ये सापा के टोटके तो लाजवाब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और मैंने, क्योंकि मैं सबसे पहले कॉलर हूँ, तो मैंने बल्कि ये सापा से कहना है कि ऑडियंस के लिए वाउचर्स तो हमारे लिए आपको एक गिफ्ट हैम्पर देंगे, मैं भेज देती हूँ, आप अपना एड्रेस नंबर दे, ये गिफ्ट हैम्पर आपको मैं दे देती हूँ, ठीक है। और कुछ पूछना नहीं चाहेंगी? बिलाल भाई से। जी जी बिल्कुल, बिलाल भाई उम्र का टिकट चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो मदिया, ये सेकंड कॉल है बेटा आप। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं राहुल अजीम बात कर रहा हूँ, गुलशन अजीम से। जी जी भाई, क्या पूछना चाहेंगे? एक तो बिल्कीज बहन से मैं ये पूछना चाहूंगा, हींग के कुछ फवाइद बताए। किसके फवाइद? हींग 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 के, ठीक है ठीक है। दूसरा ये कि एक मेहरबानी कीजिए, जो भी जड़ी बूटियां बताती है ना मैडम, उनके अगर रेट भी आप जो ना सामने शो थोड़ा बहुत करते हुए लोगों को अंदाजा अवेयरनेस आए। बेटा मैं पंसार तो नहीं होना कि मैं रेट शो करूं, मैं अपना काम कर सकती हूं, आप मुझसे दूसरों का काम क्यों ले रहे हैं? चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी आप ठीक है, हींग के फवायद बता दें इनको। अच्छा देखिए, हींग चेहरे के बाल हटाएंगे। जी मैं बता देती हूँ, हींग बेटा एक चीज के लिए नहीं, वो पेट के अमराज के लिए भी है और हींग एंटी कैंसरस भी है, ठीक है, आपके पेट के लिए भी है, कैंसर के लिए, गैस के लिए, हींग के इतने फवायदे हैं। और हीरा हींग तो यहाँ मिलता नहीं, यहाँ दूसरे जड़ी बूटियों का रस जो है उससे हींग बनाते हैं। हींग का एक फायदा हो तो मैं आपको बताऊँ, अगर किसी बच्चों को भी कहते हैं कि पेट में मरोड़ होते हैं, और अगर मतलब हींग और काला नमक थोड़ा सा पिंच पिंच लेके, बादी बादी को जितनी जल्दी हींग खत्म करता है कोई और चीज खत्म नहीं करता, बस उसकी खुद की स्मेल होती है। अगर हीरा हींग पाउडर की तरह होता है, और हींग की खसूसियत ये कि अगर वो सही हींग होगा पानी में डालेंगे डिजोल्व हो जाएगा, उसको अगर आप आग लगाओगे फौरन वो जल जाएगा। ओहो सही है, मतलब जैसे ही इसको आग दिखाते हैं वो जल जाता है। हींग के बेशुमार फायदे हैं, उसमें सबसे बड़ा फायदा जो गैस्ट्रिक के लिए है वो ये है कि आप सरसों के तेल में डालकर बच्चों के आप लगाएं जिनको कॉलिक होते हैं, या वो बच्चे जो जैसे ही बाप को देखते हैं, कॉलिक पेन को कहते हैं फादर्स कॉलिक, यानी कि जैसे अब्बा की शक्ल देखते हैं शाम में और बच्चा रोना शुरू कर देता है, तो उसके लिए बेहतरीन है कि अम्मा पहले से ही हींग को पानी में भिगो के रखे और उसको अच्छी तरह सरसों के तेल के साथ लेप लगा के सिकाई करे, थोड़ी सी एक्सरसाइज करे, उस वो फर्क पड़ जाता है इंशाल्लाह। अच्छा आप बालों, गैर जरूरी बालों के लिए आप मेथी दाने का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, आपने मेथी को भिगो दिया, भिगो कर जो उसकी लेस होती है वो बालों में लगा दे, ये बाल यहाँ निकालता है, यहाँ से बाल ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। अगर जिनके बाल बहुत ज़्यादा आते हैं, देखिए इसका इंटरनल इलाज तो कराना है बेटा, अब इंटरनल इलाज कराते हुए साथ में आप ये टोटका करेंगे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें अगर एक और बूटी आती है, धमा बूटी,
दमा बूटी को कूट के उसका जो पानी उसके जो अंदर का रेड कलर का होता है उसको छान के इसमें मिक्स कर लिया जाए तो ये एंटी एजिंग हो जाता है, यानी कि आपके रिंकल्स जो होते हैं उस फाइन लाइंस को एक अटेम्प्ट में ही वक्ती तौर पर 48 आवर्स के लिए वो एकदम आपकी स्किन को सही कर देता है, वक्ती रिजल्ट आता है, मैं पहले बता रही हूँ लेकिन आपको रिजल्ट आ जाता है। सही, ठीक है। अच्छा। तो फिर आज की हमारी आखिरी रेसिपी क्या है? बालों के लिए आप इससे पहले मैं ऑडियंस से सवाल ले लेती हूं। जी बिल्कुल। अच्छा जी, ऑडियंस में किनका सवाल है जी? वॉलंटियर्स प्लीज पहुंचिएगा जी, खड़े होकर प्लीज सवाल कीजिएगा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा डॉक्टर बिल्किस आपा से सवाल है कि सहरी में रमज़ानों में भी आम दिनों में बच्चों के मुंह में छाले हो जाते हैं, अब सहरी पे हम ऐसा क्या दें कि मतलब दिन में उनको रिलैक्स रहे? जी जी मैं बता देती हूँ। देखिए, मुंह में छाले अक्सर फोलेट बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी होते हैं। आजकल मार्केट में अवेलेबल है खुबानी, आप उनको सुबह खुबानी का शेक बना के दें। जैसे खुबानी के शेक बनाने के लिए 4 से 5 खुबानी आपने लिए, उसी की गिरी निकाल के उसमें डाली, छोटी इलायची आपने डाल दी, तुख में बलंगा डाल दिया और ब्लेंड कर दिया, पूरा दिन एनर्जी भी रहेगी। जिनको मुंह के छाले हर वक्त रहते हैं वो ये बना के पियेंगे, उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक और चीज़ है गाँव ज़बाँ को तवे पर आप जला लो, जला के पाउडर बना के जहाँ छाले हो वहाँ पर आप डाल दें, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा, नेचुरल ऐसे गिफ्ट यहाँ पर दे दीजिए, कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जायता, आप बहुत आहिस्ता बोल रही, थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि हमें आपकी आवाज आ सके। कौन सी आप ही? मेरे ख्याल से कहीं और कॉल करना चाह रही थी, परेशानी में कहीं और कॉल कर दी। अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉलर साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? मैं जमीना बात कर रही हूँ कश्मीर से, डॉक्टर ब्रिकी से बात करनी थी। जी जी बिल्कुल कीजिए। जी जमीना फरमाइए। मैं चेहरे पर ज्यादा दाने हैं डॉक्टर, ज्यादा तकलीफ होती है, डॉक्टर को भी दिखाया है मैंने, इसीलिए कुछ भी असर नहीं हो रहा उसका, प्लीज आप कुछ दे दें उससे ताकि मेरे चेहरा ठीक हो जाए। क्या दे दूं? आई गेस आप ट्रीटमेंट मांग रही है लेकिन अच्छा देखिए ट्रीटमेंट मैं इस तरह मैं ऑन ईयर आपको बता रही हूँ, ट्रीटमेंट चले मैं आपको फ्री भी दे दूंगी लेकिन मुझे आपकी पूरी हिस्ट्री चाहिए होगी। ऐसे मैं बेटा इलाज नहीं करती कि आपको गिफ्ट हैम्पर भेज दूँ आपका इलाज हो जाए, इसके लिए ब्लड प्योरीफायर चीज़ें, आपको दाने क्यों निकलने, दानों की टाइप क्या है, उसमें पस है नहीं, वो सब मैं यहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते। मेरे क्लिनिक अभी खुद ही कह रही है कि डॉक्टर से इलाज करवाया लेकिन आराम नहीं आया, दे मस्ट बी समथिंग जो बिल्कुल बेटा एक हिस्ट्री होती है, तशखीस होती है, रूट कॉज वजह क्या है वो सब मालूम करना जरूरी है। और ख़राब हो जाए तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अच्छा आपा फिर और हम क्या बना रहे हैं? अच्छा अब मैं जिनके बाल नहीं बढ़ते, ठीक है, जिन बाज़ लोगों के बालों का मसला होता है कि बाल नहीं बढ़ते, लेंथ भी जो थोड़ी है ना बढ़ने पर टाइम लगता है और है ना सर में बहुत ज़्यादा खुश्की भी होती है बहुत सारे। आपा अगर मैं चाह रही हूँ आप कितने रोजे रह गए? 13-14 रोजे रह गए, मैं 13 रह गए तक मुझे लग रहा होगा। मुझे ईद पे अपने बाल अच्छे चाहिए, लंबे तो चाहिए। अच्छा अगर रोज़ ये लगा के स्टीम ले उसके बाद अच्छे से शैम्पू कर ले तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है इसमें मैंने लिया क्योंकि आजकल स्मेल बहुत आती है क्योंकि गर्मियाँ बहुत है और मेरी बहनें किचन में काम करती है तो पसीने की वजह से, तो आपने गुलाब की पत्तियाँ लाजमी डालनी है वो भी ताज़ा। आपने क्या करना है मेथी को भिगो दें, वो जब उसकी लेस बन जाए वो आप इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच, ठीक है। आप इसमें आंवला पाउडर डालेंगे, ठीक है, इसको आपने ब्लेंड करके फिर आपने दही में मिलाना है और ये इस सबको मिक्स करके सर की जड़ों से सिरों तक आप लगाएं, ये बहुत अच्छा मास्क बनता है। और सबसे बड़ी बात अंडे की स्मेल होती है, इसमें कोई स्मेल नहीं बल्कि आपके बालों की जो स्मेल है वो ये सारा ख़त्म कर देता है। इसको आप बालों में लगाएं 1/2 घंटा रोज़ाना, इंशाल्लाह अल्लाह गफ़ूर रहीम के हुक्म से बाल बहुत अच्छे हो जाएं इंशाल्लाह। ज़बरदस्त तो बड़े मज़े के। इसमें आंवला पाउडर था आपा, रिपीट कर देते हैं। जी जी। इसमें हमारे पास मेथी दाना था, इसमें दही था और गुलाब की पत्तियाँ। जी जी गुलाब की पत्तियाँ। जी बिल्कुल, और गुलाब की पत्तियाँ आप मुट्ठी भर भी लेना चाहें आप ले सकते हो, क्योंकि हम होता है गर्मी से निकल के हम बाहर जाके एसी में बैठ जाते हैं
पसीना वहीं जम जाता है, बिल्कुल फिर दोबारा पसीना आता है, तो करते करते स्मेल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपके आपको इस मास्क से बहुत ज्यादा, एक तो स्मेल खत्म करेगा, डेंड्रफ खत्म करेगा, बाल जो अक्सर ये कहते हैं कि बाल नहीं बढ़ रहे तो उनके बाल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि मेथी की जो खसूसियात है वो मछली के बराबर है, तो जो अगर मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो मछली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो मैंने आप लोगों को बताया कि एक जैसे आब शिफा की तरह एक बन जाता है जिसमें आपने मेथी, आंवला और कलौंजी जो है ये आप रोज़ाना सुबह पीजिए, इससे आहिस्ता आहिस्ता 2 महीने के बाद आप खुद देखेंगे एक ताकत और गाल जो है सुर्ख होना शुरू हो जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ब्लड सर्कुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, खून बनना भी शुरू हो जाएगा। इस साइड से मैं चाह रही हूँ कि सवाल जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे ये पूछना था कि बच्चों के जो गर्मी दाने हो जाते हैं उसका कोई इलाज बता दीजिए, जैसे 6 to 11 months में हो जाते हैं। 6 to 11 months में जी गर्मी दाने अक्सर हो जाते हैं ना, गर्मी दानों के लिए बेटा एज का कोई एज फैक्टर नहीं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे तो मतलब बड़े तो वो पाउडर वगैरह यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ों छोटे बच्चों को इतना नहीं लगा सकते ना। अच्छा, उसके लिए उनको सफाई, सबसे पहले सफाई निफ से माने, बच्चों को दिन में 2 दफ़ा भी नहलाएंगी तो सही रहेगा। कपड़ों का इंतखाब बहुत ज़रूरी है, आपने कॉटन के कपड़े पहनाने या मलमल के कपड़े पहनाने, इन 2 चीज़ों का ख्याल रखते हुए दही का पानी, जैसे ये दही है ना इसको किसी मलमल के कपड़े में आप डालेंगी, निचोड़ लेंगी, पानी अलग हो जाएगा, वो उनके दानों का इलाज है। क्योंकि अगर मुल्तानी मिट्टी मिला के बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बहुत छोटे तो मुल्तानी मिट्टी से अल्लाह ना करे उनका सीना ना जकड़े, तो सिर्फ दही का पानी आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह दाने बैठ जाएंगे और बहुत सुकून में रहेंगे। या इसमें थोड़ा सा आप नीम के पत्ते उबाल के उसका पानी मिला लें, ठीक है। इनको नेचुरलाइज के गिव टाइम पे दे दीजिए। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, प्लीज अपने टेलीविजन की आवाज जो है वो बंद कर दीजिए। ओके ओके, पहले आप मुझे ये बताएं, इतने बार आप शोज भी देख रहे होते हैं, हमेशा कहते हैं टीवी की आवाज़ बंद करके कॉल करें, क्यों भूल जाते हैं आप लोग? जी क्या पूछना चाहेंगी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? जी मैं इकरा बात कर रही हूँ रिहिंगर खान से। इकरा कैसी हो, ठीक हो? जी आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। क्या पूछना चाहेंगी डॉक्टर बिल्कीस से? जी मुझे उनसे बात करनी है, मैंने ना उनसे मीठे सोडे के बारे में पूछना है। मीठे सोडे के बारे में पूछ लो बेटा। जी पापा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पापा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने मुझे मीठे सोडे के मुतालिक बताया कि एक चुटकी मीठा सोडा सुबह निहार मुँह दूध के साथ, एक दूध का गिलास उसके साथ खाना तो उसकी सेहत हो जाएगी, तो ये नुकसानदार तो नहीं है? बेटा मीठा सोडा सुबह खाली पेट का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मीठा अगर आपको पेट के अमराज वगैरह रहते हैं, जिगर का कोई मसला रहता है, मीठे सोडे में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अल्लाह ना करे आप सुबह खाली पेट खाएं तो उसका कोई छू ना हो जाए, मैं इस तरह नहीं बोल सकती बगैर आपकी कोई हिस्ट्री वगैरह लिए हुए। उससे अच्छा आप सुबह मखाने खाया करें, मखाने देसी घी में भून कर उसको फिर आप दूध में पका के या सागूदाना, ठीक है, वो खा लें। और ये जो आप बता रही हैं ये आप खानों के बाद खा लें, इंशाल्लाह। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है जी? जी मैं साइमा नूर बात कर रही हूँ कराची से। जी साइमा जी क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर बिल्कीस से? जी मैं डॉक्टर बिल्कीस से अपने बालों के बारे में पूछना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले, 2-4 साल पहले तक मेरे बाल बहुत अच्छे हुआ करते थे कमर तक, मगर अब पता नहीं क्यों ऐसा ऐसा बिल्कुल झड़ झड़ के तो खत्म होते चले जा रहे हैं। अच्छा आपकी उम्र क्या है? जी 32 जी 32 अच्छा 32 आप मैरिड हो बेटा? जी जी मैरिड हूँ। तो ये ऑपरेशन से बच्चे तो नहीं हुए, कोई मसला तो नहीं हेल्थ? जी जी ऑपरेशन से 3 बच्चे मेरे हुए हैं ऑपरेशन से हुए। तो उसके बाद आपने अपनी सेहत का ख्याल रखा, जो डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ दी अद्वियात दी उसका इस्तेमाल किया आपने? जी वो 2-3 महीने तक तो जिस तरह वो कहते हैं तो किए, उसके बाद तक तो नहीं। अभी आजकल तो ऐसा है कि मेरे सारे जोड़ों में भी बहुत ज्यादा दर्द रहता है। अच्छा देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए वजह ये होती है हमारी बहनें जो होती हैं उनको डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो ऑपरेशन के बाद 6 महीने तक के डोज देती हैं कि आपको उसको इस्तेमाल करना है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि आयरन खाने से काले हो जाएंगे, आप लोग छोड़ देते हो,
और कुदरती चीज़ें भी नहीं, दूध दही वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, तो बेटा फिर उसका नतीजा ये निकलता है, सेहत गिरने लगती है, आप मोटे हो जाते हैं, बाल ख़त्म हो जाते हैं, रंगत काली हो जाती है। सबसे पहले अपनी डॉक्टर की बात माने, जो आपको कहा जाए वो कीजिएगा। अभी जो मैंने अभी ये बताया था, जो मेथी दाना कलौंजी वाला, वो भी कीजिएगा, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। और सहर रमज़ान में ही मैंने बहुत दो दफ़ा तो तेल बनाना सिखाया है, उसका इस्तेमाल कीजिए, अल्लाह आपको शिफा दे इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ से जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल है कि मेरी बेटी है, उसे सांस की तकलीफ़ है, ठीक है, वो रोज़ा रखती है, उसे बड़ा मसला होता है, तो वो इस सूरत में रोज़ा रख सकती है या उसका कोई इलाज, उसको एलर्जी है डॉक्टर कहते हैं। देखिए, एलर्जी का तो मैंने बता दिया, रोज़े का फिर आप किसी मौलाना से पूछ लीजिएगा जी। वो रखती तो है, अच्छा, लेकिन एलर्जी के बारे में आप कुछ बता दीजिए। अभी मैंने इस्तेमाल करती है जी जी, वो इस्तेमाल करती है, हाँ जी बिल्कुल लेती है। ये मैं आपको बताऊँ, मुझे भी ये प्रॉब्लम है, मुझे भी सांस की प्रॉब्लम है जी। तो ये मैंने भी उलमा से पूछा, तो उन्होंने कहा था या तो आपकी बहुत बुरी हालत, अगर वेंटोलिन आप इस्तेमाल आप जरूर लेती है फिर आप नहीं रख सकते, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपकी हलक से नीचे उतरेगा, तो तब आप नहीं रख सकते। लेकिन आपको लगता है कि आपकी तबीयत आज ठीक है और आप कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, तो आप रोज़ा रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, सवाल था एलर्जी के बारे में। अच्छा देखिए, एक ये कीजिएगा, मैं दूसरा आपको बता दीजिए। आपने सेब का जूस निकालना है जी, उसमें ना 2 से 3 लौंग को पीस के पाउडर। आपकी बेटी की उम्र क्या है पहले ये बताएं? 25 है, तो 3 लौंग तक डाल सकती है, ठीक है, 3 लौंग का अभी इंस्टेंट करें। फिर मैंने एक टोटका बताया था, वो आप देख लीजिएगा या मैं आपको बाद में बता दूंगी जी। 3 लौंग का पीस के पाउडर बना के वो सेब के जूस में डाल के आप एक दफ़ा उसको ज़रूर दें। दही आपने इस्तेमाल नहीं करना है, चावल इस्तेमाल नहीं करना है, टोमेटो केचप इस्तेमाल नहीं करना है, ठंडी चीज़ें नहीं, तरबूज भी नहीं खाना है उसे, सही, उससे अस्थमा एग्रीवेट हो जाएगा, ठीक है, सही, ये अच्छा, कीजिएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। इंटरनेशनलाइज का गिफ्ट हमें दीजिएगा, पीछे वो ग्रीन दुपट्टे में, इससे पहले कि वो आपको पकड़ ले वॉलंटियर, आप उनको माइक पकड़ा दें। इसके बारे में पूछना था, दागने से जाती ना प्रेगनेंसी के बाद जो गर्दन पे सब दाग हो जाता है, उसके बारे में पूछना। देखिए बेटा, जो प्रेगनेंसी के बाद डार्क हो जाता है ना, वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। अभी मेरी बहन का फ़ोन आया था, मैं उसको भी यही बता रही थी कि आप लोग वो जो प्रेगनेंसी के बाद की जो केयर होती है ना, वो आप लोग अपनी नहीं करते। जो आपको डॉक्टर्स ने कहा है कि 6 महीने तक अद्वियात इस्तेमाल करना, आप लोग नहीं करते। और हम जो नेचुरोपैथ आपको ठंडा गर्म का बताते हैं, वो भी आप लोग नहीं करते, ठीक है। अभी तो कोई अच्छा सा उपटन लेकर उसका उससे आप मतलब उसको मले, उससे फ़र्क पड़ जाएगा, या बेसन ही दही में मिला के लगाएंगी, उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन ये अपना टाइम अगर ये करेंगी तो फ़र्क पड़ेगा, नहीं तो ये अपने टाइम पर ही सही होगा। अच्छा, इनको भी नेचुरल इसका गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। ऐसे आप हम कल क्या कर रहे हैं, आप बताएं क्या करना है? नहीं, आप बताएं आपने क्या सोचा हुआ कि हमने कल क्या करना है? मैंने ये सोचा था कि जैसे पर्पल चीज़ों से, जैसे जामुन है, अच्छा जामुन है, और पर्पल चीज़ों से मैं बताऊँ, बैंगन है, जामुन है, ग्रेप्स भी आ गए हैं, बिल्कुल आ जाते हैं, तो उससे फिर मैं बताऊंगी कि चेरीज इसमें आ जाती हैं। हाँ, उससे मैं बताऊंगी कि जामुन का इस्तेमाल कैसे करते हैं, फालसे का इस्तेमाल कैसे करते हैं, और जामुन का सिरका 2-3 तरीके से बनाया जाता है। मैं आपको तीनों तरीके बताऊंगी जामुन के सिरका बनाने के, मौसम है ताकि आप बना के रखें, उससे आप बाल कैसे उगा सकते हैं, स्किन कैसे सही कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच आपका। और अब जो है वो हम बिलाल भाई की तरफ चलेंगे। तो जितने भी लोग हमें देख रहे हैं और जितनी भी ऑडियंस हमारी यहाँ पे बैठी है, आप कोई वज़ाइफ पूछना चाहते हो, कहीं आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात है और आप अल्लाह के नाम की मदद से उस मुश्किल से बाहर निकलना चाहते हैं, तो बिलाल भाई से आप कहते हैं। जी जी बिलाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज बात करेंगे इंशाल्लाह ताला मसाइल पे। एक बात छोटी सी अर्ज़ करता जानो आपकी तवज्जो इस पे दिया, बायज़ीद बस्तामी का हम बड़ा नाम सुनते हैं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी जो हैं, ये जब छोटे बच्चे थे तो इनकी वालदैन को मदरसे में छोड़ के चली गई और अब उनके उस्ताद से कहा कि जब तक ये हाफिज़ ना बन जाए इसको घर पे ना भेजना। बस्तामी जो हैं वो उदास हो गए, बच्चे थे, तो वो एक दिन अपना होमवर्क पूरा करके जल्दी से घर वापस आ गए। तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो माँ नमाज पढ़ रही थी। वालदा ने नमाज़ पढ़ के पूछा कौन है, तो आपने आवाज़ दी कि मैं हूँ बस्तामी। तो वालदा का आगे से जवाब क्या था, कहा वाह खूब है, तेरा नाम भी बस्तामी है और मेरा बेटा भी एक बस्तामी है, मैं उसे मदरसे में छोड़ के आई हूँ और तब तक उसने वापस नहीं आना जब तक हाफिज़ ना बन जाए, तेरी माँ ने क्या तेरे लिए किया है। उन्होंने दरवाजे से बात सुनी और समझ गए माँ का पैगाम कि माँ मुझे तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं हाफिज़ ना बनूंगा, और वो वापस चलेगी और हाफिज़ बन के फिर कई सालों के बाद घर वापस आए। जब तक तलखी इंसान की ज़िंदगी में ना हो, रिश्ते जो हैं वो आसानी तो पैदा करते हैं, लेकिन जब तक आप इन रिश्तों को उनकी पूरी तकमील ना दें, यकीन कीजिए कि बायज़ीद बस्तामी बनना जो है
वो इंसान के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। इन भाइयों में से, इन दोस्तों में से अगर कोई भी क्वेश्चन करना चाहे तो यू मोस्ट वेलकम। जी जी फरमाइएगा जी। बेटा इधर 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 यार इधर। आप खड़े हो जाइए, आप आपको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है फिर। अस्सलाम वालेकुम लाल भाई। लाल भाई मेरा आपसे एक सवाल था, सिंपल सा सवाल है। सवाल मेरा ये है कि उमूमी तौर पर हमारे ये माशरे में देखा गया है कि जैसे साहब कराम और औलिया कराम के मुतालिक जो है लोग जो उमूमन बहस करते हैं कि साहब कराम की करामत जो है उनको इतनी नुमाए नज़र नहीं आती हैं, औलिया कराम की करामत के हवाले से जो है वो ज़्यादा किताबों में भी तस्करा किया जाता है और बयान किया जाता है, ज़रा इसको आप एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि साहब कराम के हवाले से जो है इतनी मालूमात लोगों को नहीं है जितनी औलिया कराम के हवाले से हैं, ख़ासतौर पर हमारे बरे सगीर के माशरे में। मेरी इस पर राय जो है ना वो थोड़ी सी तल्ख है, और मैं शिद्दत के साथ मैं शरीयत के जो अहकाम हैं उनकी पाबंदी का मजाज भी हूँ और इसका मशवरा भी आपको देता हूँ। ये जब हम कहते हैं कि ये करामत दिखाई है किसी ने, तो वो करामत जो है अल्लाह आलम है कि नहीं। अगर अल्लाह ताला किसी को मुइज़ा देना चाहे तो वो नबी और पैगंबर हैं, पहली बात तो ये। ये जो साहिब करामत होते हैं, अब यकीन कीजिए जितनी भी करामात आप इन लोगों से सुनते हैं वो लोग उन्होंने बनाई होती हैं। वो पंजाबी में कहते हैं कि पीर जो है ना वो खुद कभी नहीं उड़ता, उसके मुरीद उसको उड़ा देते हैं। करामत इससे बड़ी किसी की नहीं हो सकती कि वो शख्स जो है अपनी ज़िंदगी में हदूद अल्लाह के अंदर और अपनी ज़िंदगी को शरीयत के अंदर गुजारे। इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर हम यकीन करके खुदा की तरफ जाएं। ये जहन में रखिएगा कि अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई चीज़ ज़िंदगी में नॉर्मल नहीं है तो वो मजहबी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मोहम्मद की ज़ात से ज़्यादा नॉर्मल शख्सियत आइंदा भी नहीं आनी। इसलिए कोई जितना मर्ज़ी बड़ा बाबा हो, जितना मर्ज़ी बड़ा उसका क्लेम हो, जितना मर्ज़ी बड़ा उस दूध शरीयत में नहीं है, उसका बाबा होना मेरे लिए इंतहाई गैर ज़रूरी है। अदब देखिए, बायज़ीद बस्तामी जैसे इंसान जो हैं, मैं कॉलर ले लूँ फिर आप ये बात आपसे करता हूँ। जी सलाम अलैकुम। जी मेरा बेटा सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं जन्म तो बोल रहा जी। जनाबी अली मैं अपनी बीवी ने बारे पूछा जी, वो बहुत बीमार रहनी है, एक ना इलाज करा रहनी है, दूसरा शुरू हो जाना है, ते दूसरी बीमारी इलाज करने, तीसरी बीमारी शुरू हो जानी है। नाम क्या उनका जी? ताजीम अख्तर। परवीन अख्तर। ताजीम अख्तर। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम इल्ताफ है जी। इल्ताफ आप एक बहुत ही अच्छे और शरीफ आदमी हो, लेकिन आपने अपनी बीवी को ना एक मशवरा देना है। ये मैं मशवरा अपनी बीवी को भी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, उसे कहना है कि खुदा का शुक्र उसने आखिरी दफ़ा कब अदा किया था। ज़िंदगी में अल्लाह का शुक्र अदा करना ना 99% बीमारियों से दूरी का पहला इलाज है। मैं नहीं समझता कि इसकी पूरी सेहत याबी होगी, लेकिन इसमें बीमारियों की कमी या बीमारियों का जो रुझान है उसमें थोड़ा सा दबाव आ सकता है। उसे कहिएगा एक तो आयत करीमा बहुत ज़्यादा पढ़े और एक लहौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्ला यहीं तक इसको बहुत ज़्यादा पढ़े। मैं नहीं समझता कि इसमें ज़हनी बीमारियों के अलावा कोई बहुत ज़्यादा और बीमारी है। जैसे कहते हैं ना कि अ मैन इज़ अ हॉस्पिटल, वो इंसान समझता है कि सारी बीमारियाँ मुझे ही आ गई हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है आपकी, दो चीज़ें जो हैं ये ज़रूर पढ़े, आयत करीमा को और लाहौल को, और ज़िंदगी में शुक्रगुजारी करने की आदत डाले। यकीन कीजिए ये पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल होगा आपकी बीवी के लिए कि वो शुक्रगुजारी करे। कहेगा ज़रूर, हर शख्स कहता है कि मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अगला जुमला जो होता है वो किसी मसले का होता है। भरोसा खुदा की ज़ात पर बीवी को करना है। जब इंसान ज़हनी तौर पर बीमार हो, वो सारी बीमारी जिस्म पर खुदा एक अजाब के तौर पे और एक इम्तहान के तौर पे नाजिल कर देता है। इसलिए ज़हनी तौर पे अपने आप को सही रखना जो है, ये इन दोनों चीज़ों के लिए जिक्र आपसे कर रहा हूँ। छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस जब आएंगे तो इंतहाई मोहतरम और इंतहाई खूबसूरत और एक खूबसूरत इंसान से भी आपकी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। वापस आते हैं। रमज़ान
रमजान करीम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे बहुत ही अहम गेस्ट हमें अब से थोड़ी ही देर बाद ज्वाइन करने वाले हैं। उससे पहले मैं चाह रही हूँ कि ज़रा हम जो हमारी ऑडियंस यहाँ पे बैठी है, वो जो आज भी हम सब्र और जबर की बात करें, तो उनको कुछ इसी बात पर कुछ तरह हल्का सा गिफ्ट को दे दिया जाएगा, एक टिकट हमको निकाल दी जाए ज़रा। सब्र और जबर में मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो आवाम शामिल है वो तो अपनी जगह पर है। सब्र और जबर का जो इस्तेमाल है सबसे ज़्यादा हाकिम भी करते हैं। इस्लामाबाद और कराची और लाहौर सब दोस्तों को देखिए, कमाल काम है। जितना मर्जी जबर कर ले कोई हाकिम, वो इसको इंतहाई मासूमियत से सब्र से ताबीर देकर कर देंगे। मैंने अभी पिछले दिनों एक बहुत अच्छे सियासतदान हमारे दोस्त हैं सियालकोट से, उन्होंने बिजली ना होने की दलील ये पेश की कि आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बिजली इसलिए नहीं क्योंकि आप इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, आप लोग सारे बिल देते हैं, आप लोग सारे टैक्सेस देते हैं, इसके बावजूद अगर जबर हो रहा है तो एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जबर को लेने वाला और अपने हक के लिए आवाज़ ना उठाने वाला जो शख्स है, क्या उसका भी कोई शरीयत में हिस्सा है या नहीं। ये इतना ही मुजरिम है, अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे तो आप भी उतने ही बड़े मुजरिम हैं जितना जबर करने वाला मुजरिम है, क्योंकि आप उसके जुर्म में उसके साथी बन गए हैं। इसलिए जब आपके साथ कोई शरई पहलू के अंदर ज्यादती हो रही हो या माशरती पहलू के अंदर कोई ज्यादती हो रही हो, तो आपका आवाज़ उठाना जो है वो आपका हक नहीं है, आपका फ़र्ज बन जाता है। लेकिन पिछले 70 सालों में देखा, जो पहले 30 साल थे ना पाकिस्तान के 70 की दहाई तक, तब तक लोग जो थे वो अपने हक के लिए बाहर निकलते थे। अयूब खान सदर बना, फौजी था, हुक्मरान था, हक और माशाल्लाह के तहत आया। उसने सिर्फ अपने दौर में जो चीनी थी, शुगर, उसको 4 आने ज़्यादा कर दिया। 4 आने लोग सड़कों पे निकल आए। उसका बेटा, उसने अपनी किताब में लिखा, अपने बाप की मेमोरीज़ में उसने कहा कि मैंने अपने बाप को देखा कि जब वो मुझे खेलते हुए देखता था और मैं भी वही नारे लगाता था जो अवाम लगाते थे, तो मेरे बाप ने सोचा कि अब मुझे हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। हमारे अवाम जो हैं वो जबर सह सह के शायद अब इस कदर कंडीशन हो गए हैं कि वो अपनी राय नहीं रखते। लेकिन बहुत से दोस्त और बहुत से भाई ऐसे हैं जो आपके हकूक के लिए लड़ते हैं, जो आपके हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं। अच्छा, अभी आप जिनकी आप बात करें, जैसे आप इशारा दे रहे हैं उनके बारे में, मैं आपको ये बता दूं कि आज जो हमारे नहायत ही अहम गेस्ट हैं, लड़कपन से ही उन्होंने सियासत में कदम रखा और पूरे वर्ल्ड में जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनमें से किसी के भी मेयर को ये शर्फ हासिल नहीं है कि वो 28 साल की उम्र में मेयर बना हो। 28 साल के उनमें पहले मेयर पूरे वर्ल्ड में जितने मेट्रोपॉलिटन हैं, और साथ में ऐवान हो या जेल की सलाखें हो, इनका हिस्से ज़राफ़त, इनका ज़ौके शायरी, ये हमेशा हमेशा इनके साथ है। साथ में अवाम के लिए जो हम बात कर रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी अवामी हैं, इनको हम अप्रोचेबल हैं काफ़ी। जब जेल में जेल काटनी हो तो इंसान शायरी बनता और क्या बनता है। ये ज़रा इनसे पूछे कि जब इन्होंने जब जेल काटी थी तो ये इनकी पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क आया और फिर ये वहाँ पर क्या बने। तो खैर, काफ़ी ज़रा दिल की बातें भी उनसे करेंगे, पॉलिटिक्स पे थोड़ी सी कम बातें करेंगे। भरपूर और ज़ोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार को। कैसे आप? ठीक हैं? आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आइए। अच्छा, और साथ में फारूक भाई के साथ हमारे एक और गेस्ट हैं, मैं चाहूँगी आप उनका तारुफ कराएं। इस मुल्क के अंदर बहुत से जो मज़लूमीन हैं और ऐसे दोस्त जो कि अपनी जेबों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते और लोगों की मदद नहीं करते, वहाँ ऐसे लोग भी हैं जिस शहर में आप जिसमें रहते हैं वहाँ पर ईदी जैसे लोग भी पैदा हुए। लेकिन एक ऐसा शख्स भी यहाँ पर मौजूद है जिसने अपनी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए वक्फ की है, उन बच्चों के लिए वक्फ की है जिनकी ज़िंदगी की उम्मीद या डोर या तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है या बिल्कुल टूटने वाली है। एक लम्हे के लिए गौर कीजिएगा, अगर आपको इस बात का यकीन हो कि आपने बहुत देर ज़िंदा नहीं रहना, तो आप अपनी ख्वाहिशों की कौन सी लिस्ट बनाएंगे? मुझे नहीं पता क्या बनाएंगे आप लिस्ट, लेकिन ये वो शख्स है जो उन बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करता है जो बच्चे अपनी ख्वाहिशों में अब दम तोड़ चुके हैं। ये हस्ती, ये शख्सियत जो है, ये इससे आप वाकिफ तो ज़रूर हैं, लेकिन इनके काम जो हैं वो देखने और सुनने के काबिल हैं। और आज जिनको ये आपसे मुलाकात कराने लाएंगे, उनकी ये ख्वाब है, ये बच्चों के ख्वाबों को पूरा करते हैं। हम ख्वाब देखते ज़रूर हैं, उनकी तकमील हमारे बस में नहीं होती, ये दूसरों के ख्वाबों को तकमील देती हैं। त्याग साहब, बेग साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सो मच। कैसे हैं आप?
so kind of you. So kind of. Thank you. Shiflai. कैसे आप सर ठीक हैं? थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया बहुत। फारूक भाई आप सुनाएं। पहले तो सबसे पहले फारूक भाई आपको बहुत ज़रा शुक्रिया कि आपने इतनी बिजी रूटीन में से आपने टाइम निकाला और हमें यहाँ पर आपने हाजिरी का शर्फ बख्शा। रमज़ान कैसा गुजर फारूक भाई आपका? रमज़ान इस मरतबा बहुत मैं समझता हूँ कि मौसम की वजह से काफ़ी सख्त रहा है और हम लोग तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत में होते हैं तो हमारा रोज़ा तो किसी तरह गुजर ही जाता है। हम ये जो आम मजदूर हैं जो मेहनत का काम करते हैं और दिन भर की मजदूरी करते हैं उनके रोज़े कैसे कटते होंगे वो किस तरह मेरे ख़्याल में इसके पसे मंज़र में जो सारा मौसमों की तब्दीली वाला मामला है ना, क्लाइमेट चेंज, जब से मैं इंतहाई मौसम ये सारी चीज़ों पर हमें गौर करना होगा। जब से मैं आपको देख रहा हूँ ना, आपकी जो टॉक है एब्रप्ट है, बड़ी जारहाना है। अच्छा, कुछ 7 फुट का भी शख्स आगे खड़ा होगा तो आपकी जारहानापन जो है ना वो वैसा ही होता है जैसा कि होना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर में मैंने एक जगह आपको बड़ा दबे हुए और डरते हुए देखा, जब आप हॉस्पिटल में थे और आपकी वालदा आपके पास आई थी तो आपको समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। आप उस वक्त बड़े नर्वस और कंफ्यूज। इस उम्र में भी आपकी वालदा से मोहब्बत वैसी ही है और वालदा की शफकत आपको वैसे ही मिलती है? देखिए, ये एक ऐसा रिश्ता है ना जो तमाम रिश्तों से बुलंदतर है, बालातर है, बड़ा मुनफरिद है और यकता है। तो उसमें जो आजिज़ी होती है, फिर माँ की ममता होती है, तो वहाँ तो आप स्पीचलेस भी हो जाते हैं। सही बात है। क्या बोलें आपको सही समझ नहीं आता। फिर वो अदब और एहतराम होता है बेशक। फिर अंदर अंदर ये भी एहसास होता है कि कहीं आपने कोई ज़िद की है किसी मामले पर तो शायद माँ का दिल भी दुखाया हो। माँ कभी रोकती किसी चीज़ से? माँ ने तो रोका था, सियासत में आने से रोका था, स्टूडेंट लाइफ में रोका उसके था। बाद जब सियासत में आ गए, जेलें भी काटी, फिर हमने वालदेन के साथ भी सियासत की, सियासत में आने के लिए उनको ये कहते रहे कि हम पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, जाते थे मीटिंगों के लिए। सही। लेकिन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। आखिर में जब उन्होंने देखा कि भाई ये सारा तामीरी और मजबूत काम है, लोगों की भलाई और बेहतरी का काम है, तो उन्होंने भी बहरहाल उसको खुशी से कबूल कर लिया। अच्छा फारूक भाई, ये तो माशा से आपके पेरेंट्स के, माशा से आपकी बच्चियाँ भी वेरी वेल क्वालिफाइड, अच्छी जगह पढ़ी, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, तो आप तो ज़्यादा तो आपका ज़्यादा टाइम सारे सियासत पे होता था, या ज़्यादा जेल काटी, या फिर सियासत, जेल काटी, सियासत, या 9-0। आप तो खन्ने हेडक्वार्टर में आ गए हैं बहादुराबाद में, तो घर में आपको कभी कहीं हुआ कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सका? बच्चियों को बिल्कुल टाइम नहीं दिया, और उनकी माँ ने, उनकी मदर ने ही उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर किया। फिर एक ऐसी सिचुएशन भी आई थी 90 की दहाई में कि अफशां को, मेरे दोनों बेटियों को लेकर अमेरिका जाना पड़ा था। फिर उसी वक्त मैं 5 साल सिक्योरिटी रीज़न भी थे और कुछ थोड़े डोमेस्टिक रीज़न भी थे, कुछ सिचुएशन थी, तो मेरे ख्याल में वो फिर ब्लेसिंग इन डिसगाइज हुई। बेटियों के लिए अच्छा रहा, पूरी उनकी एजुकेशन वहीं की हुई, और माशाल्लाह बड़ी वाली अब वहाँ पर मैं उनको मिलता हूँ फिर जाके अमेरिका, और वो भी यहाँ आती मिलने के लिए, तो इस तरह हमारी वो रहती है। बड़ी वाली अब फिजिक्स में 1.5 साल में इंशाल्लाह PhD कर लेगी। छोटी वाली का ग्रेजुएशन है हफ्ते को, माशाल्लाह। डबल मेजर्स है, फिल्म मेकिंग में और ग्राफिक डिजाइनिंग में। वाह। तो मुझे जाना है लेकिन अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, कल परसों आ गया तो मैं चला जाऊँगा 2 दिन में उनके लिए, वरना फिर PS 114 जिसमें कामरान टिशूरी भाई को हमने टिकट दिया है, तो फिर उस पर पूरा फोकस करेंगे, यानी कहीं ना कहीं मसरूफियत है। अच्छा फारूक भाई, कहते हैं इंसान की लाइफ में सबसे बड़ा चेंज तब आता है, एक शादी के बाद चेंज आ जाता है, और फिर उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा चेंज तब आता है जब अल्लाह आपके घर में रहमत का नुज़ूल करता है, जब आपके घर बेटी पैदा होती है। सो वो क्या फीलिंग थी और ख़ुद में आपने फिर क्या डिफरेंस फील किया था? देखिए, मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे वालिद साहब भी बड़े तालीम याफ्ता थे, अम्मी की तालीम थोड़ी कम थी, बहनें भी तीनों मेरी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन फिर भी ये था कि बेटा होना चाहिए। जब मेहनत पैदा हो रही थी तो मैंने कहा भाई, उस ज़माने में अल्ट्रासाउंड से भी ये चेक नहीं हो रहा था कि भाई बच्चों की वो जो पैदा होने वाली सेक्स डिटरमिन हो जाती, तो वो भी नहीं था। तो मैंने कहा भाई, जो भी होगा, हमें तो ज़ाहिर है कि एक औलाद की ज़रूरत है और घर में एक खुशी आ रही है, तो उसका हमें इस्तकबाल करना चाहिए। तो सबके चेहरे बड़े बुझे हुए थे, मुझ पर तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मुझे सबको संभालना था और पढ़े लिखों को संभालना था, उन्हें बताना और था मुश्किल है कि भाई बेटी से बड़ी तो कोई नेमत होती नहीं है, और
बहुत अच्छा रहा, बड़ी बहुत ज़्यादा खुशी थी हमारे घर में, फिर सारे अजीज़ों में, रिश्तेदारों में। और मैं मेयर था उस वक्त, और मुझे अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त बहरहाल निकालना पड़ता था और थोड़ा बहुत वक्त देना पड़ता था। तो लेकिन फिर भी वो हक अदा नहीं हुआ, मैं समझता हूँ कि जो एक वाले एक पेरेंट को अपने बच्चों के लिए साथ करना चाहिए। जितने भी आपने ज़माने दौर देखे, आपने बहुत से दौर देखे हैं, माशाल्लाह के भी दौर देखे हैं, आपने तो सिविल माशाल्लाह के भी कई दौर गुजारे हैं। खैर, ये जो सारे दौर होते हैं, इसमें एक वक्त और ज़माना जब गुजर जाता है तो उसके बाद कभी बैठ के रात को सोने से पहले सोचते हैं कि मैंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया कराची में, क्या मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, मैंने जब अल्लाह के पास जाना है क्या जवाब देना है, कभी सोचते हैं? मैं समझता हूँ बड़ा कंटेंशन है और इत्मीनान है। एक डॉक्टर बनकर, डॉक्टर बन गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए किताबें खोली थी और ये बल्दियाती इंतखाबात आ गए 87 के, और जनवरी 88 में मुझे पार्टी ने मेयर बना दिया। वो पहला पब्लिक ऑफिस था पार्टी के लिए, बड़ा चैलेंजिंग था। 28 साल की उम्र में जो मेरे तारुफ में बताया तो और ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो उसमें कंटेंशन इसलिए है कि एक डॉक्टर बनकर एक हॉस्पिटल में, एक प्लास्टिक सर्जन अगर मैं बनता, जिसकी मुझे ख्वाहिश थी, जिसकी मैंने कुछ सर्जरीज भी की थी। तो अभी आप अभी भी प्लास्टिक सर्जन ही हैं, आपका पेशेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा कर वो ही रहे हैं। अब थोड़ा सा ग्रॉस सर्जरी है, रेडिकल सर्जरी है, माशरे की सियासत की एम्पुटेशन है, काम वही है, मेरे ख्याल में रिफॉर्म का काम है। लोगों, हमें माशरे की शक्ल को बेहतर बनाना है, हमें मुल्क की शक्ल को बेहतर बनाना है, इमेज, अपनी इमेज को अच्छा करना है, तो काम वही है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो उसमें 5 आप ऑपरेशन रोज़ करते हैं, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, ये सादत दी कि एक कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, तीसरा मेडिकल कॉलेज हमने बनाया, सरकारी शोबे में पहला डेंटल कॉलेज कराची। कराची में कोई डेंटल कॉलेज नहीं था, तो KMDC के तौफ़ैल हमने एक डेंटल कॉलेज बनाया। 87 तक, ये 88 के बाद, 88 के बाद डेंटल कॉलेज नहीं था कराची में, कोई नहीं था 87 तक, 87 तक, 88 तक, 89 तक, 90 में हमने ये कॉलेज बनाया। तो पहला डेंटल कॉलेज कराची का हमने बनाया, और ये पहला मेडिकल और डेंटल कॉलेज है जो पूरे पाकिस्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर में, वरना तो कोई है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल। तो ये क्या अब्बासी की हालत इजार को उस वक्त बहुत बेहतर किया, एक पहला ट्रामा सेंटर हमने वहाँ पर कायम किया। तो मेरे ख्याल में ये तसल्ली और इत्मीनान इसलिए है कि इतने डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर दिए कि जो सर्जरी मैं नहीं करता, जो इलाज मैं नहीं करता, वो सैकड़ों हजारों डॉक्टर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। अच्छा फारूक भाई, ये बताइएगा कि अभी जब मैं बात कर रही थी कि क्योंकि जेल के अंदर भी जब इंसान अकेला होता है बहुत टाइम आपको और भी सोचने को मिलता है, आपने अपने अंदर क्या क्या डिफरेंस जो है फील किया? क्योंकि एक टाइम आता है बिल्कुल अंधेरा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कनेक्शन ही नहीं है, मोस्टली क्या आप खुद से क्या बात करते थे, क्या सोचते थे, किसको सबसे ज़्यादा याद करते थे? देखिए, बेटी के पैदा होने के बाद भी और शादी के बाद भी चेंज आता है, बिल्कुल वो जो आपने सवाल पूछा था, और जेल जाने के बाद भी चेंज आता है, आपको बिल्कुल एक नई दुनिया का सामना की बात कर रहे थे, वो फारूक भाई जेल जाने से भी आती है। हाँ, तो जो मैच्योरिटी पॉलिटिक्स में आती है, देखें ये भी अजीब इत्तेफाक है कि पाकिस्तान में बहुत से मैच्योर पॉलिटिशियंस को आप देखेंगे तो या तो उन्होंने मारे खाई, धक्के खाए, सहूबतें झेली, जेलों में गए और फिर उसके बाद कुंदन बनकर निकले हैं, फिर बड़ा उनका रिफाइंड रवैया बदल जाता है, उनका जो है वो, उनकी जो सारी पॉलिसीज होती हैं। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमी है, बजट है, फाइनेंस है, मैं डॉक्टर तो था ही, हेल्थ और एजुकेशन से तो आशनाई थी, आ गई थी, लेकिन ये बजट, इकोनॉमी और बाकी पॉलिटिक्स के जो गुर होते हैं वो फिर जेल में जाकर समझ में आए। मैच्योरिटी क्या होती है, टॉलरेंस क्या होती है, बर्दाश्त और तहमुल क्या होता है, और जो इंक्लूसिवनेस है उसका जो जादू है कि सबको साथ लेकर चलना, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मुख्तलिफ ख्याल लोगों में, मुख्तलिफ लसान लोगों में, मुख्तलिफ तबकों में, उनको एक जगह, मुख्तलिफ सोच के लोगों को एक साथ लेकर कैसे चलना है, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ डूइंग पॉलिटिक्स। अच्छा फारूक भाई, जेल में सबको लग रहा था कि जो पॉलिटिशियन जेल में गए ना उनको तो खाने भाई कमाल ही आते होंगे, उनको तो उनके लिए तो बुफे टेबल सस्ती होगी बड़ी जबरदस्त, तो वो बिरयानियां कोरमे वहां भी आते थे, वो ऐसे होते थे या वही जेल की बाकी रवायती दाल चावल या कुछ भी नहीं? ये फर्क तो आप उन पॉलिटिशियंस में और हम में, जेल के बाहर भी आप देख सकते हैं। सही बात है कि उनके मुरगन खाने या उनके एहतमाम और ये सारे किस तरह के हैं। देखिए, हमने AC भी नहीं लिया था, सिर्फ टेलीविजन ले लिया था मैंने AC भी जानबूझ के नहीं लिया था कि मेरे दूसरे कारकुनों को ये महसूस ना हो कि मैं AC में हूं कि हम ज्यादा, हमें ठीक अच्छी बैरिक्स मिलती थी,
हम उस तरह कंजेस्टेड उसमें नहीं रहते थे, हमारी बी क्लास हो जाती थी, लेकिन हमने ए क्लास कभी नहीं ली। बाकी पॉलिटिशियंस तो ए क्लास लेते हैं, एसी भी उन्हें मिलता है, बहुत खुली जगह भी मिलती है, और हर तरह की चीज़ जो है वो खाने हो, उनकी और ज़रूरत का सामान हो, बड़ी आसानी से उन्हें। ये आपने बात बड़ी सही की, मैं आपके जानने वाले नाम नहीं मैं लेता हूँ, उनके जानने वाले बड़े अच्छे दोस्त हैं, इनके सियासी साथी हैं, मैं उनके घर गया तो जितनी देर मैं फरूख भाई वहाँ पे बैठा रहा, उनका एक ही झगड़ा था, वो मेरे से कम गुफ्तगू कर रहे थे और पानी की जो मोटर नहीं चल रही थी उस वाले बंदे से ज़्यादा लड़ाई हो रही थी ऊपर की मंजिल से, कि पानी की मोटर नहीं चल रही, पानी नहीं आ रहा। तो वो जो ज़िंदगी की नॉर्मैलिटी लेट कर पाते हम कि हमारे तो मसले सांझे हैं, तो ये मसाइल तो यही है। आप मेरे घर आएंगे तो बिल्कुल आपको यही चीज़ मिलेगी, लोड शेडिंग उसी तरह मिलेगी आपको, और कुछ इलाकों की लोड शेडिंग अब आहिस्ता बेहतर भी हो रही है, जहाँ ज़्यादा बिल की पेमेंट हो जाती है एवरेज, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची में इस मसले को भी जो है वो हल्के जाए, और लोगों को भी जो अभी लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा अजाब में, उनको भी किसी तरह उससे नहीं। बेग साहब, ज़िंदगी में कब और क्यों सोचा ये कि किसी बच्चे की विश जो है वो पूरी करूँ? मैं बेसिकली बिजनेस मैन हूँ जी, आई एम इंडस्ट्रियलिस्ट, और ट्रैवलिंग मेरी बहुत रही है, हमेशा ट्रैवल करता था। तो एक बार यूएसए में एक एग्जीबिशन के सिलसिले में गया, तो वहाँ पे एक मैंने बिलबोर्ड देखा जिसमें लिखा था कि हम इन बच्चों की ज़िंदगी में इजाफा तो नहीं कर सकते, मगर इनके आखिरी दिनों में खुशी ला सकते हैं, स्माइल ला सकते हैं। हम इन बच्चों की ज़िंदगी में इजाफा नहीं कर सकते लेकिन आखिरी दिन खुश कर सकते हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। जी हाँ, उनसे कॉन्टेक्ट किया बिकॉज आई थॉट कि जी वेरी मुनफरद काम हो रहा है और पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत है। तो वहाँ से जवाब आया है कि जी पाकिस्तान इज़ नॉट ऑन अवर मैप। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया, मैं गया उनसे मिला, तो उन्होंने बतलाया कि जी दुनिया के हम 60 ममालिक में हैं मगर पाकिस्तान में CSR जो है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो अगर ये फाउंडेशन पाकिस्तान आती है तो सर्वाइवल इसका मुश्किल हो जाएगा। बट जब मैंने उनको कन्विंस किया कि पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पर है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल डोनेशंस दी जाती है, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, फिलैंथ्रोपी हमारे तो मज़हब का हिस्सा है जी, ज़कात, खैरात, ये तमाम चीज़ें, और माशाल्लाह दे आर प्राउड ऑफ पाकिस्तान एफिलिएट जी, और पाकिस्तान को 2 बार बेस्ट एफिलिएट अवार्ड मिला है, और ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन है जो दुनिया के 60 ममालिक में है, और वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज़ में मुब्तला होते हैं उनकी जो भी एक मोस्ट चेरिश विश है, लास्ट विश है, वो इसको पूरा करती है। और मिशन है इस फाउंडेशन का कि कोई बच्चा कोई ख्वाब या हसरत लेके इस दुनिया से रुखसत। भाई साहब, जब एक बच्चे की आप ख्वाब पूरी कर देते हैं, आप उसमें कोई तब्दीली देखते हैं बाद में कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई? देखिए जी, ये रिसर्च ने शो किया है, पहले सबसे पहले तो बताऊँ कि हकीम लुकमान से एक बार किसी ने पूछा कि दुनिया की सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन क्या है, उसने जवाब दिया कि प्यार और मोहब्बत। पूछने वाले ने कहा कि अगर इससे बेहतरी नहीं आए, उसने कहा कि इसकी मिकदार बढ़ा दीजिए आप। तो मेक ए विश फाउंडेशन भी क्या कर रही है कि जब हम इन बच्चों की ज़िंदगी में प्यार और मोहब्बत लाते हैं तो उनमें ज़िंदा रहने का जज्बा पैदा होता है और बीमारी से फाइट करने का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि इससे पहले वो गिव अप कर चुके होते हैं कि बीमारी है, बहुत एडवांस स्टेज पर है, कोई हमें ख्याल नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, एक छोटी छोटी हमारी ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं हो सकती। वैसे मैं भी जब आपसे सवाल ये करने ही वाली थी कि जब हम बच्चों के मेकअप विश ऐसे बच्चों के लिए जिनको पता है कि इनकी ज़िंदगी में आगे अच्छी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं कि आगे लंबे जी सकें, और फिर जब विश पूरी हो जाती है कि फिर शायद वो दिन गिनने लग जाते होंगे कि अब तो विश पूरी होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपसे और बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन अभी मेरी छोटी सी ब्रेक लेनी कहीं मचाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, रमज़ान करें। रमज़ान करीम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ इश्तियाक बेग साहब मौजूद हैं जो कि मेक अ विश फाउंडेशन से आए हैं, और एक ऐसी बच्ची और स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जो कि अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ते लड़ते थक जाते हैं, तो वहाँ उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका मोराल बूस्ट करने के लिए उनके साथ मेक अ विश जैसी गेम खेली जाती है, वो जो उनका ख्वाब होता है उसको पूरा किया जाता है। अभी हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी एक शहज़ादी आएंगी जो कि थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट हैं, वो हमारे पास आएंगे। जितने भी यहाँ पे लोग अभी भी मौजूद हैं, आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वो आएँ तो आप उसको एज अ प्रिंसेस ही ट्रीट कीजिएगा, उसके लिए खड़े हो जाएगा, क्योंकि कभी आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं ना
तो अपने आप को जब आपको कभी ड्रिप लगती है, आपको इंजेक्शन, आपको बाबा टेस्ट के लिए बाबा जब डॉक्टर खून निकालते हैं, बड़ी पेन होती है. लेकिन एक बच्ची जिसकी बॉडी में बार बार स्ट्रिंज लगाई जा रही है, क्योंकि कभी खून का कभी कुछ होना है, कभी कुछ होना है, कभी कुछ होना, तो बड़ा बहुत तकलीफ से प्रोसेस होता है. मैं जिस हमारी बहन की बात कर रही हूँ, जिस छोटी सी शहजादी की बात कर रही हूँ, पहले हम इस पर ये पैकेज देख लेते हैं. इस सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए ताबुन किया है डॉलिंसन यू, मेकिंग पाकिस्तान प्राउड. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले. जनाब आप सोच रहे होंगे मैंने ये क्यों कहा, तो इसके पीछे भी एक कहानी है, इसके पीछे भी एक रीज़न है. क्योंकि आज मैं बल्दिया टाउन पहुंची हूं और यहां पे एक बहुत प्यारी सी मुस्कुराती मुस्कान, जैसे उनका नाम है मुस्कान, और ये मुस्कान की एक ख्वाहिश है, वो चाहती हैं कि समा टीवी वो पूरी करे. और हम भी यहाँ इसीलिए पहुँचे हैं क्योंकि ज़िंदगी जो होती है इंसान की, अल्लाह ताला की दीवी बहुत बड़ी नेमत होती है. और ज़िंदगी के बारे में ज़ाहिर है अल्लाह ही फ़ैसला करता है कि कितनी ज़िंदगी इंसान की है. लेकिन अगर ये कबल अज़ वक्त पता चल जाए कि ज़िंदगी इतनी बाकी रह गई है, तो यकीनन पूरी फैमिली भी एक अज़ियत से गुज़रती है. और साथ साथ जो है जो इसमें विक्टिम होता है, उसके साथ उसका ज़हनी कैफियत क्या होती है, वो सब हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. चलिए आइए चल मुस्कान के पास, ताकि आप भी मुस्कुराएं उन्हें देखकर और मैं भी करूं कुछ मुस्कुरा मुस्कुरा के मजे मजे की बातें उनके साथ. तो चलिए चलते हैं. अस्सलाम वालेकुम, हमारी मुस्कुराती हुई मुस्कान कैसी हैं? ठीक हूं, आप कैसी हैं? और इंतजार कर रही थी जी बहुत ज्यादा. ये देखें जी, हमारी प्यारी सी मुस्कान. मैं इधर बैठ जाती हूँ और हमारी मुस्कान यहाँ आ जाती हैं. और ये बताएं भाई, सबसे पहले रमज़ान मुबारक, कैसे चल रहे हैं रोज़े? रोज़े माशाल्लाह से सारे अच्छे चल रहे हैं, माशाल्लाह से सारे हुए हैं, सब मज़े में चल रहे हैं ना? लग तो नहीं रहा रोज़ा बहुत गर्मी भी है? नहीं, नहीं लग रहा, शुरू में लगा था, अब तो आदत हो गई है पूरे रोज़. अच्छा अच्छा, मुस्कान बताओ कि जैसे क्या क्या चीज़ें मुस्कान को पसंद है. और मुस्कान, बल्कि सबसे पहले तो मुस्कान से पूछते हैं, मुस्कान ने हम सबको इनवाइट किया अपने घर पे और कहा कि वो कुछ उनकी विश है, तो पहले विश पे बात कर लेते हैं. विश क्या है हमारी मुस्कान की? जी मुस्कान, मेरी विश है प्रिंसेस बनने की. वो बस मैंने मेकअप विश वालों को कही है कि मुझे पूरी करनी है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एक दो दिन में आपकी विश पूरी करेंगे. तो मेरी विश प्रिंसेस बनने की, मुझे प्रिंसेस बनना है. प्रिंसेस बनना है, तो भाई हमारी मुस्कान तो वैसे ही प्रिंसेस है, ठीक है ना? आज से नाम प्रिंसेस मुस्कान है, तो आज से नाम तो चेंज हो गया और अब जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? आपकी विश पूरी होगी. अच्छा मुस्कान, मुझे थोड़ा सा बताओगी बेटा अपने बारे में, क्या क्या आपको पसंद है, कैसी आपको इतनी मुस्कुराती हुई जो शक्ल है, इसके अंदर कितनी शरारत है, क्या क्या कुछ करती हो? शरारती तो बहुत हूँ, भाइयों से लड़ना झगड़ना, भाइयों से आए दिन फाइट होती ही रहती है. हार जाते होंगे यकीनन? नहीं, मैं हार जाती हूँ. अच्छा तुम हार जाती हो, ये गलत हो गया भाई. भाइयों को चाहिए फौरन मुस्कान से हार जाए, एक मुस्कुरा के देखे और फौरन भाई हार जाए, है ना? हम थोड़ी सी बात करेंगे दादी से. दादी का जो लखते जिगर है ये, और क्या कहती हैं दादी इनके बारे में? दादी बताइएगा. रोना आ जाएगा भाई. दादी को रोना आ जाएगा. थोड़ा सा मुस्कान के लिए कुछ कहना चाहेंगी आप? हाँ भाई, तो पता चला ना हम लोगों को उसकी बीमारी के बारे में. दादी की तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी बस. फिर बोला शुक्र है अल्लाह तेरा जो कुछ दिया, तेरी रजा में राजी है मालिक. देखा भी हिम्मत वाली अल्लाह ने बनाई इसको. सही सही, भाई भी है इसका. जी जी जी, दोनों भाई भी. इसलिए देखे हाँ. आपकी पोती है, आपको पोती का बड़ा करीबी रिश्ता होता है ना, कि पोती के साथ एक वो अटैचमेंट होती है कि बस लगता है आपने एक दरख्त से जो फल आपको मिलता है वो. जो आम बच्चे जो देखते हैं इस तरह नहीं है, जो फातिमे में जाते हैं ना हम लोग, जब अपने बच्चे को देखते तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं. या अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है. बिल्कुल शुक्र. मुस्कान से जब पूछते हैं तो कभी कुछ मुस्कान ऐसा कहती हो जिसपे आपका दिल दुख जाता हो आप थोड़ा? बस अल्लाह, मेरे को मुस्कान तो ऐसी कुछ कहती नहीं है, लेकिन कहती है तो ख्वाहिशें नहीं होती है, रेस नहीं होती है, तो मैं मना कर देता हूँ और इसको अल्लाह सब्र दे, ये बेचारी इतनी तंग नहीं करती है मुझे. अच्छा, कि पापा आप जो आप बोलेंगे वो करूँगी. अच्छा, कभी बोलती है पापा इधर घूमने चलते हैं, उधर मैं पढ़े अभी मैं नहीं चल सकता हूँ, मैं नौकरी का काम है, चुप करके बैठ जाती है. दादा क्या क्या करते हैं उनकी जो है, उनके लिए क्या क्या लेते हैं? हम इसको सब कुछ लेके देते हैं, जो ये बोलती है वो हम उसको कहते हैं. चूड़ियाँ, कपड़े, अच्छे से अच्छे कपड़ा, चूड़ियाँ और चप्पल भी, जहाँ ये चाहेगी उसी शॉप में उसको लेके जाएंगे, भाई यहाँ से आप शॉपिंग करो, जो चीज़ उसके वो तमाम हर चीज़ का हम ख्याल रखते हैं इनका. और मैं सबको यही कहूँगी कि बस अपनी
हिम्मत ना हारें, अपनी बीमारी से लड़ें और जितनी हिम्मत हो सकती है आप हिम्मत करें और कभी हिम्मत ना हारें आप। बस बस मेरी तरह हंसते रहें, खुश रहें, खाओ पियो ऐश करो। मुस्कान की सबसे आखिर बात, खाओ पियो ऐश करो, मस्ती करो। लाइफ जो है ना उसको ये नहीं सोचो कि कितनी है कितनी नहीं है, बल्कि ये सोचो कि बस ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे आगे लेके बढ़ना है। तो मुस्कान की तरह आप सब भी आगे लेके बढ़ें ज़िंदगी को, ये मुस्कान का मैसेज है सब के लिए। वापस स्टूडियो जाएंगे, ज्वाइन करेंगे बिलाल भाई और मदिया को। ज़िंदगी और मौत जो है ये अल्लाह के हाथ में है, किसी को नहीं पता किसने पहले जाना है किसने बाद में। जो पहले चले गए वो इंतज़ार में हैं कि हम भी उनके पीछे ज़रूर जाएंगे। बेटियां वैसे ही शहजादियां होती हैं, लेकिन बेटी हो और आपको ये इल्म ना हो कि ये इसका आखिरी दिन है या नहीं, यकीन कीजिए ये कयामत से कम माँ बाप पे वक्त नहीं गुजरता। लेकिन जब बेटी छोटी हो उम्र में और उसकी आखिरी ख्वाहिश हो, तो ज़िंदगी में ये भी याद रखिएगा कि ये ख्वाहिश तो उसकी पूरी हो जाएगी, लेकिन वो आपकी दुआओं की मोहताज है। इस बच्ची की सिर्फ मुस्कान की एक ही ख्वाहिश थी कि अपनी ज़िंदगी में एक शहजादी बने, और यकीन कीजिए हमारे पास जितनी भी बादशाहत है हम इस शहजादी पे आज कुर्बान कर देंगे, इसकी वो इज्जत और तौकीर इंशाल्लाह जो किसी भी शहजादी की होनी चाहिए। बेग साहब, सितार साहब, थैंक यू। अभी नहीं आना आपने, आपने नहीं आना अभी, आप इधर आइए, आप इधर खड़ी, फारूक भाई आप इधर आइए, फारूक भाई आप इधर खड़े हो जाइए, आप भी प्लीज खड़े हो जाइए। हमजा बाखबर बाहुशियार तशरीफ ला रही है इस मुल्क की शहजादी मुस्कान। और अब शहजादियों की तरह मुस्कान ऐसे और सबको ऐसे। आज तो किसी शहजादी से मुझे लगता है सारी शहजादियां कुछ भी नहीं है आपके सामने, कैसा लग रहा है? मुस्कान आप कहें मुझे शहजादियों जैसा लग रहा है, शहजादियों जैसा लग रहा है, और किसी शहजादी से कम नहीं है। दोबारा से जोरदार तालियां जी मुस्कान के लिए। आ जाइए आ जाइए आ जाइए मुस्कान, यहाँ चढ़ के दोबारा से मुड़ना और फिर वेव करना है इसे। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, मैं चाहूंगी आ जाओ मेरी सीट पे बैठो, आओ। आज सिर्फ शहजादी की तुमने बात की, तुम्हें हम एंकर बना देते हैं। जरा जनाब इधर बैठे, आप जरा एंकर की सीट पे बैठे। कैसी हो? ठीक हो? ठीक हो। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है मुझे प्रिंसेस बनकर। अच्छा बचपन में जो कार्टून देखती थी तो उससे होता था कि जिस स्नो व्हाइट की प्रिंसेस और सारे बेले बारों को सिंड्रेला फेरी उसको देखकर मुझे भी लगता। लेकिन उनमें तो आप में ना एक फर्क है मुस्कान, वो जो प्रिंसेस है ना स्टोरीज वाली वो इतनी खूबसूरत नहीं है। ये मुस्कान जो है ना ये हमारी बेटी, ये बहुत प्यारी है, ये हमारी बहादुर प्रिंसेस है, ये बहादुर प्रिंसेस। अभी हम ये बात कर रहे थे क्योंकि हमारी जो मुस्कान है ये थैलेसीमिया मेजर की पेशेंट है। मुस्कान बचपन से ही आप थैलेसीमिया है? बचपन से ही जी, 6 महीने की थी तब से ही ब्लड लग रहा है। और हाथों पे तुम्हारे तो निशान तो होंगे सर जी, ये सारा जी। 1 महीने में कितनी दफा? अभी तो पहले महीने में लगता था, अब तो 15 दिन 8 दिन ऐसे लगता है। अभी कल ही लगा है मुझे भी। अभी कल ही लगा है मुझे। एक इंजेक्शन लगना होता है ना, मुझे इंजेक्शन लगने से पहले मैं खुद भी रो रही होती हूँ, नर्स को भी मैंने इमोशनल किया होता है और डॉक्टर गुस्से में खड़ा होता है कि इसको इंजेक्शन कब लगाना है, क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ। और ये जो हमारी बहादुर शहजादी है, बहादुर प्रिंसेस है, ये तो बड़ी, तुम मेरे सर पे हाथ फेर के जाना, खुदा ना खास्ता कल मारो ही तुम। देखिए जब कोई हुक्म जो है वो रियासत का बादशाह और शहजादी देना तो उसका बड़ा असर होता है, आपको पता है ना। सदर का जब ऑर्डर जाता है तो कितना अहम होगा। वो जो कैमरा है ना सामने, आपने इसमें देख के कहना है सब लोगों से कि अपना ब्लड जो है ना वो डोनेट किया करें, क्योंकि ये ब्लड जो है ये किसी की जिंदगी के लिए काम आ सकता है। इस कैमरे में देख के आपने सबको रिक्वेस्ट कर दिया। सब लोगों को कहूंगी प्लीज हम जैसे बच्चों को थैलेसीमिया मेजर को प्लीज ब्लड डोनेट करें, क्योंकि उनकी जिंदगी में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अब हम जैसे बच्चों को ब्लड डोनेट करें, सबको मैं कहती हूँ, आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। बहुत सारे इदारे हैं, हुसैनी है, फातमिन फाउंडेशन है, उन सबको ब्लड की बहुत ज़रूरत है, उनको प्लीज़ प्लीज़
रिक्वेस्ट करती हूँ कि उनको प्लीज ब्लड डोनेट करें प्लीज। मैं मेरा अपना ओ नेगेटिव है और बहुत रेयर है, लेकिन उसके बावजूद मैं एक बार ऐसा भी हुआ, बिलाल भी एक महीने दिया उसके बाद फिर खून दे दिया और डॉक्टर मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन पता है ये खून नहीं मिलेगा और मेरे खून के कतरे से इनकी जान बच जाए और अल्लाह भी उसके सदके में मेरे माँ बाप को शिफा दे दे। बहुत ही मेरे कल बहन भाइयों को जरूरत हो तो प्लीज आज आज तुम्हारी प्रिंसेस की भी ख्वाहिश पूरी हो गई। और क्या ख्वाहिश करोगी? और मेरी एक और ख्वाहिश है बस, अब वो पता नहीं पूरी होगी या पता नहीं, वो होगी जरूर। वो हम ब्रेक की बात पूछ लें, कोशिश करते हैं, अल्लाह करे अल्लाह करे किसी तरीके से अगर वो पूरी हम किसी तरीके से कर सके। इश्तियाक भाई इसलिए यहाँ पे बैठे, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे जी, कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं, रमजान करें। रमज़ान करीम, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। हमारी प्रिंसेस मुस्कान, और ये प्रिंसेस मुस्कान बनना चाहती थी लेकिन इनकी विश ऐसे पूरी हुई कि हम सब ने इनको दिल से प्रिंसेस मान लिया है और ये दिखने में भी प्रिंसेस हैं, गुफ्तगू में भी प्रिंसेस हैं, गुफ्तार में भी प्रिंसेस हैं। हमारे साथ हमारी प्रिंसेस मुस्कान के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आपके घर में सिर्फ मुस्कान ही नहीं, आपका बेटा जी वो भी थैलेसीमिया का पेशेंट है। जी, वो भी थैलेसीमिया मेजर है। जी, थैलेसीमिया मेजर। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चे थैलेसीमिया वाले। और आपके बाकी खानदान में किसी को थैलेसीमिया नहीं है? किसी को भी नहीं है, किसी को भी नहीं। लेकिन आप दोनों को है? जी, आप दोनों को है। जी, मैं दोनों। आपका बड़ा बच्चा कौन है? बड़ी बेटी मुस्कान है। आपको इसके जब डायग्नोसिस हो गया था मेजर थैलेसीमिया, तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप दोनों कैरियर हैं? जी, इसका अंदाजा नहीं था हमें। जब ये हुई तो 6 महीने के बाद ये डॉक्टर ने हमें कहा कि इसके टेस्ट कराएं। जी, तो हमें तो इस बीमारी का इलाज नॉलेज ही नहीं था कि बीमारी है, थैलेसीमिया हो सकता है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई इसको ब्लड लगाओ। हमने कहा कि ये क्या है ब्लड अचानक से, मुझे तो बहुत वो मायूसी हुई। लेकिन उसने बोला कि ये ज़िंदगी भर का मरस है। मैंने बोला, फिर भी मैं थोड़ा मायूस हुआ। फिर जब मैं फातमीद वालों ने जब मुझे फॉल किया, वहाँ पर रजिस्टर किया, जब मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, तो मैंने बोला, मालिक तेरा बहुत बड़ा शुक्र है जो मेरा बच्चा इस हाल में है, बड़ा शुक्र है, बहुत मालिक के एहसान है जो मेरे को इस बच्चे ने इसमें रखा है मुझे। और दूसरे बच्चे में देखता हूँ उस टाइम मुझे बहुत रोना आता। आपको भी मेजर थैलेसीमिया है और आपकी मिसेस को भी? जी, थैलेसीमिया। अब आप दोनों माइनर हो, मेजर नहीं, आप दोनों माइनर। माइनर हो तो वो मेजर है, वो ये मेजर है। भी इसीलिए कहा जाता है जब शादी होने हो तो जरूर अपना ब्लड टेस्ट करवाएं ताकि ये चीज, और ये जरूरी है, ये लोग नहीं करते, तो प्लीज ये अपनी जरूर रखिएगा। बेग साहब, एक पैगाम दीजिए कि हमारे यहाँ 5,000 बच्चा जो है हर साल, हर साल आता है, वो कैसे रोकें? देखिए, थैलेसीमिया मेजर में 5,000 बच्चे हर साल ऐड हो रहे हैं, और अब प्रॉब्लम ये नहीं हो रही है कि बच्चे ऐड हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रही है कि ब्लड अवेलेबल नहीं है। और अब बच्चों से ये कहा जाता है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कि अगर आप ब्लड चेंज करना चाहती हैं तो खुद अपना ब्लड लेके आइए, कोई डोनर उसको लेके आए। तो ये और ये तादाद बढ़ती जा रही है, और हमारी इस सिलसिले में मेक ए विश काफ़ी काम कर रही है। अभी कुछ अर्से पहले हमारी गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई थी। कई कंट्री में ये लेजिस्लेशन होता है कि एक अगर टेस्ट कपिल करवा ले शादी से पहले, जो 150-200 रुपए का सिर्फ एक टेस्ट होता है। और हमने ये भी कहा है कि आमतौर पर यह होता है कि लड़की के वालदैन राज़ी नहीं होते इस चीज़ के लिए कि हमारी बेटी का हो, तो हमने ये भी कहा है कि आप एक बेटे का करा लें, और अगर वो आता है पॉजिटिव देन यू गो फॉर द बच्ची के, लड़की है वो अपने जाए, अदरवाइज अगर एक का भी आ जाता है, क्योंकि अगर एक माइनर है तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती। हमारे पास एक फैमिली आई जिसके 6 बच्चे जो थे वो थैलेसीमिया मेजर थे, और उनको मालूम नहीं था, और वो कहते थे हम ये सोचते थे कि अब जो नेक्स्ट हमारा बच्चा होगा वो हेल्दी होगा, तो इस उसका वो, हाँ जी, इस वजह से। तो एक तो एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। एक टेस्ट ना कराने की जो इल्लत है, या मैं इसे कहूँ कि एक तकब्बुर है कि मैंने नहीं कराना, मुझे ये ना, आप अपने बच्चों के लिए जो मुश्किलात पैदा करते हैं वो बयान से बाहर है कि आपके बच्चे जब इस बीमारी में आते हैं वो माँ बाप किस अजाब से गुजरते होंगे, उनकी रातें, उनके दिन, उनको बच्चे किस तरह नजर आते होंगे कि वो एक ऐसी लाइफलाइन है जिसके आखिर होने का इंतजार कर रहे हैं। इससे कहीं बेहतर है कि आप एक 200 रुपए का टेस्ट कराएं और फिर अपने बच्चों के निकाह करें। देखिए, हमारा ये हो रहा है कि हमारे जो, क्योंकि एक इंटरनेशनल इदारा है, अब वो इस चीज़ को हमसे कहते हैं कि तुम्हारी हुकूमत को, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान सबसे ज़्यादा
इस वक्त थैलेसीमिया मेजर के बच्चे हो रहे हैं ये वैसे और वो ये कहते हैं मैं वक्त में चाह रही हूँ आपने जो विश की बात की थी वो ख्वाहिश बता दें क्या ख्वाहिश है हो सकता है दूसरी विश थी आपकी वो क्या है मेरी दूसरी विश है कि मैं अम्मी अबू के साथ उम्रे पे जाऊँ कब जाना चाहती हैं आप जब भी अल्लाह का हुक्म होगा तब फारूक भी आपको मदद करनी पड़ेगी थोड़ी सी देर इसलिए करेंगे इंशाल्लाह और आपको सिर्फ चल के वहां तक आना पड़ेगा बिलाल भी आपको भी आना पड़ेगा और मेरी जान आप हमारी प्रिंसेस भी आएगी और आपके अम्मा बाबा भी आ जाएंगे जल्दी से और क्योंकि और जनाब इनकी जो दूसरी विश थी वो पूरी होगी इंशाल्लाह ताला डीलक्स हॉलिडेज की तरफ से आप और आपके वालिदैन जो है वो जाएंगे इनकी तरफ से उम्रे पे तीनों जब आपका दिल चाहे थैंक यू सो मच इसके साथ ही एक छोटे से वक्फे की तरफ जा रहे कहीं मिल जाएगा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे रमजान करीम धड़कने इससे बड़ा तो कोई खुदा का करम नहीं ओ पढ़ने लगे दुरूद अगर दिल की धड़कने इससे बड़ा तो कोई खुदा का करम नहीं नाते रसूल बात है मेरी जबान पर मैं मोहतरम नहीं तो कोई मोहतरम नहीं जिक्र आली वकार करते हैं जिक्र आली वकार करते हैं शबले पर मिल जाए मेरी खाक मदी
चीज मुसब्बिबे सबब से मांगो, मिन्नत से खुशामद से अदब से मांगो, मगर जो मांगने का तरीका है, जो मांगने का तरीका है उस तरह मांगो। और सुनो, ये मांगने का तरीका है क्या, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्ल मकासी दना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्ल मकासी दना, बल्ल मकासी दना, बल्ल मकासी दना। वो किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, किसी को कुछ नहीं मिलता तेरी अता के बगैर, खुदा भी कुछ नहीं देता तेरी रजा के बगैर, बल्ल मकासी दना, बल्ल मकासी दना, या रब्बी बिल मुस्तफा बल्ल मकासी दना, अग़फ़िर लना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही हमजा, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, अभी हमारे एक और बहुत ही जबरदस्त किस्म के गेस्ट, जिनसे हमारी बचपन की बड़ी यादें वाबस्ता हैं, उनको बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा, जो लोग हमें देख रहे हैं और जो खवातीन किचन में मसरूफ हैं, वो कह रही हैं कि भाई क्या हो रहा है आज, हमें चटखारों के समा में समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ बनने वाली है और टाइम बहुत कम रह गया, तो वो क्या बनाएं। तो हम जल्दी से वेलकम करते हैं हमारी शेफ सुमैरा को। शेफ सुमैरा, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मिलाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप आई किचन में, मैं भी आपके पास किचन में आती हूँ, लेकिन अभी टाइम हो गया है उन स्पेशल गेस्ट को बुलाने का, जिनसे भी एक सवाल फारूक भाई कह रहे थे मैंने भी पूछना है, और वो तो खैर फारूक भाई बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले हम उनको ज़ोरदार ताली में वेलकम करेंगे, पाकिस्तान की खूबसूरत और मीठी तरीन आवाज़ों में से एक आवाज़, एक ऐसी आवाज़ कि जब वो गाते थे, गुनगुनाते थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो मुस्कुरा रहे हैं, वो खुश हैं। उनकी आवाज़ ऐसी थी कि वो आवाज़ दूसरों को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। मीठी आवाज़ों का तस्करा होता है ना, जहाँ पर वहाँ इनकी आवाज़ सबसे ऊपर आती है। ज़ोरदार तालियों में वेलकम करेंगे अरशद महमूद साहब को। फेर के मुंह लंग मर जावे
कैसे हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आपसे मिलके बहुत खुशी हुई और इस गीत से इल्म होता है कि आपको आपकी वालिदा से कितनी ज्यादा उनसे सात माह हुए मेरी वालिदा फौत हुई जी फौत हुई मेरी वालिदा सात माह हुए तो माँ तो माँ ही अच्छा ये जो जुमला था ना मामा वाले हो ये जुमला एक यतीम लिख सकता है जिसकी माँ ना हो ना ये जुमला लिखी हो सकता है ये इसमें इतना दर्द है ना इतनी आस है और ख्वाहिश है कमाल है कमाल है मैं जिंदा हूँ फारूक भाई कितनी बड़ी नेमत हो बहुत बड़ी नेमत कितनी बड़ी नेमत है वो कुछ ना भी करे हयात है अल्लाह ताला उनको उनकी उम्र की तराजी उम्र करे सेहत से रखे और ऐसा बेलॉस रिश्ता दुनिया में है ही कोई नहीं और ऐसा रिश्ता जिसका कोई मुतबादिल ही नहीं है नबियों को कहा कि जरा थोड़ा सा एहतियात करो हमारे पीछे माँ दुआ देने वाली नहीं है बेशक और ये मोहब्बत जो माँ है ना फारूक भाई ये सुन्नत रसूल है और हम भी अपनी माँ का हक अदा कर सकें जो हम कोताहियाँ होती हैं वो अल्लाह माफ़ करे अल्लाह माफ़ करे बेशक अच्छा कभी ऐसा हो फारूक भाई जब आपने ऑब्वियसली जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की घबरे नहीं मान रहे थे तो आगे बहुत ज़्यादा आप आपकी वालदा का इंतकाल हुआ है कहीं ऐसे दिन में माफ़ी मांगनी कभी कुछ ऐसे कि और फ़ौरन अम्मी से माफ़ी मांग ली वरना बच्चे उमूमी तो आप थोड़ा हिचकिचाते भी हैं वैसे चिपक जाते हैं माँ से लेकिन लफ्सी तौर पर ऐसा हुआ और मैं समझता हूँ कि जब रमज़ान का महीना आता है और चांद रात होती है तो ख़ास तौर पे वालदा को जाके हक करना ईद का चांद नज़र आए और ईद का मौका हो और उनसे पूरे साल भर जो कोताहियाँ हुई उसका एक साथ उसकी माफ़ी मांग लेना तो मेरे ख्याल में ये तो होता है आखिरी दफ़ा मार कब पड़ी थी हम अम्मी तो शायद कम मारती थी अब्बा से पिटवा दी आप मैं आपके बेशक भाई आपकी आपकी अम्मी के साथ बॉन्डिंग कैसी थी और चाहे इंसान उम्र के किसी भी हिस्से पे पहुंच जाए माँ का साया बहुत मैटर करता है हर चीज़ का नहमुल बदल है माँ का नहीं है नहीं मेरी माँ ने बचपन से मुझे ये सिखाया था कि बेटा ईद का चांद जब नज़र आए और रमज़ान का चांद जब नज़र आए आपने छत पे जाके चांद देखना जी और आपने आके सबको बताना नीचे कि अम्मी चांद नजर आ रही है अच्छा आपके मुंह से सुनना चाहते हैं और ये पहला रमज़ान है कि माँ हमारे साथ नहीं है और मैं समझता हूँ कि मेरी जो बड़ी बहनें हैं साथ मेरी बड़ी बहनें हैं तो यही मेरी माँ की जगह है क्या बात तो है? अब ये है कि माँ कितने भी ईदी दे आपको एक रुपये दे या कितना भी दे माँ क्या ईदी जो है
उसका इंतजार रहता है, हम तो ईदी बांटते रहते, लेकिन इस दफा मैं सोच रहा था कि मुझे ईदी खोल देगा। तो उस पर मैंने अब्दुल्ला भाई से एक बात कही, अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला जो शायर हैं चिल्ली साहब, मैंने कहा मेरी माँ फौत हो गई तो मुझे कुछ लिख कर दो माँ के लिए। उन्होंने ये मुझे लिख के दिया कि मामा वाले हो, माँ सूरत रब दी है, मर जावे जो तो माँ फिर कितों लभ दी है। तो ये मेरे अंदर की फीलिंग थी, जो मैं समझता हूँ कि हर वो शख्स जो अपनी माँ से प्यार करता है वो यही फीलिंग रखता होगा। और वैसे भाई इसी के साथ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जिन जिन की माएँ बीमार हैं, अल्लाह उन सबको शिफाए कुलिया अता फरमाए, और अल्लाह हम सब की माँ को हमारे सर पे सलामत रखे, क्योंकि माँ से बड़ा कोई साया परवरदिगार के बाद और कोई नहीं है। फारूक भाई, अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है फारूक भाई इस मुल्क पे, इस उम्मत पे, कि हमारे यहाँ अभी ये रिश्ते कायम हैं कि हम अपनी बड़ी बहनों को भी अपनी माँओं की जगह देते हैं। जी बिल्कुल, दुआ ये करें कि अल्लाह ताला हमें नसीब करे और इन रिश्तों को रखने की तौफीक अता करे। आमीन, आमीन, इलाही आमीन। अच्छा फारूक भाई, ये बड़ी रिक्वेस्ट आ रही, मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की, और आज आप बताएंगे कि फारूक भाई को अगर आप नात सिखा सके, मामा से इतना प्यारा पढ़ते हैं। जी जी मैं जी बिल्कुल, मैंने तो कोई दरख्वास्त नहीं की, सिर्फ माइक पेश किया आपको, दरख्वास्त से पहले कर चुकी थी। नहीं वाकई बहुत अच्छी पढ़ते हैं। नहीं मैं तो आपसे भी एक सवाल करने वाला था कि वो आपका वो काम हुआ नहीं हुआ जो आप अभी तक वो वाला गाना गाते हैं कि हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पैर मेरे नाम, वो काम हुआ नहीं हुआ आपका? सर देखिए, मैंने अपने शाम का मैंने अपनी शाम का एक पैर जो है, जब भी वो अमेरिका में जाता हूँ तो ये गाना मैं सुनता हूँ, तो ये कौन सा मिनिस्टर है जो आपका काम नहीं कर रहा, मुझे जरा बताएं। आपने बिल्कुल सही सवाल किया, का आदमी तो नहीं, मुझे बताएं, मैं कान खींचता हूँ। आपने बिल्कुल सही सवाल किया सर, बाकी कोई मिनिस्टर काम नहीं करता। मैंने कहा माहौल इतना अफसुर्दा हो गया था कि थोड़ा सा उसको हम लाइटर साइड पर। अब ये खबर नहीं है कि मिनिस्टर काम नहीं करता, अब खबर ये है कि मिनिस्टर ने काम कर दिया, अब ये खबर है। हो सकता है कि आपके समा की वजह से वो समा चेंज कर दें थोड़ा सा, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। अच्छा, लेकिन अभी जो हमने आपसे काम किया हमारा ये काम कर रहा है। मैं तो पहली बार, मैंने कभी गाने तो गुनगुना लिए, ये नात पहली बार पढ़ रहा हूँ, अल्लाह करे उसका हक अदा कर सकूँ। मेरा गला तो हमेशा की तरह खराब है। कोई बात नहीं, बस ये नात पढ़ी लगाने की तरह। कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। फारूक भाई, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस मुल्क के एक बड़ा नाम है, बड़े सियासतदान हैं, हजूर आपकी तरफ से एक दरख्वास्त करके ब्रेक पे जा रहा हूँ जी। ये फारूक भाई ने जो नात पढ़ी है ना, ये नात अल्लाह के नबी के हुजूर है, इसको अपना हक समझ के इस्लामाबाद में कायम मत कीजिएगा। ये जो हकूक आपको अल्लाह ने दिए, यकीन कीजिए रोज़े क़यामत आपके पास जितनी ताकत है आपका गिरेबान उतना ही ज़्यादा तंग होगा। खुदा से दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको अच्छा काम करने की इस कौम में तौफीक अता करे। आमीन। छोटा सा वक्फा और वापस आते हैं। रमजान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद, और यह है चटकारों का समा, और यहाँ पे होंगी मजे मजे की चीजें। शेफ सुमेरा हमारे साथ है, शेफ फरहान हमारे साथ है। शेफ सुमेरा, एक तो इतने दिनों बाद आपको देखा, आपकी वैसे मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, और मैं आपकी दोस्त हूँ, आपको पता है मुझे आपकी मुस्कुराहट ज्यादा प्यारी लगती है। अच्छा मुझे ये बताएं जी कि इससे पहले कि हम जरा सेगमेंट की तरफ चले, बाकायदा तौर पर सेगमेंट की तरफ चलते हैं ना, आज सुमेरा हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन स्टिक्स, आपने खाई भी होंगी जो चिकन, आज थोड़ा सा डिफरेंट करके बना रहे हैं, आज हम बना रहे हैं चिकन बारबेक्यू स्टिक्स।
चिकन बारबेक्यू स्टिक्स। और इसके लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा? इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट ये है नॉर्मल मसाले से कि एक तो नॉर्मल मसाले भी मैंने अपनी चिकन में मैरिनेशन में डाले हैं। सबसे पहले तो आपने चिकन लेके उसके क्यूब्स बनाने, हांडी क्यूब्स जिसको कहते हैं, सो दैट वो आराम से आपके एक एक स्क्वायर में तीन तीन चिकन स्टिक्स आ जाएं। ये मिनी भी बहुत अच्छी बनती हैं, तो अगर आप थोड़ा सा छोटा चिकन काट लें तो वो मिनी भी बहुत अच्छी बनेगी। मैरिनेशन के लिए आपको टिक्का मसाला एक टेबल स्पून चाहिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, मस्टर्ड पेस्ट, सिरका, लाल मिर्ची, नमक। बस इन मसालों से आपने इसको मैरिनेट किया। मैरिनेट करने के बाद इसको आप 2 घंटे लाजमी छोड़ना है। उसके बाद इसको आप कोयले का धुआं देंगे, सो दैट जब ये वो तो कोयले से वहाँ पे से जी वो मैं धुआं दे चुकी हूँ, ठीक है, धुआं हमने दे दिया है, कोयले का धुआं देना है ताकि उसमें बिल्कुल ओरिजिनल बारबेक्यू फ्लेवर आए। उसके बाद हम इसका बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर चाहिए, मैदा चाहिए, अंडे की सफ़ेदी, 2 अंडे की सफ़ेदी चाहिए, 1/2 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। ठंडे पानी से इसका बैटर बनाएंगे। ये स्क्वर्स हम उठाएंगे इस तरह से, ये तीन तीन आपने लगा के बैटर में, मैं अभी बैटर में बनाऊंगी, बैटर में डिप करेंगे, फिर यहाँ पे ब्रेड क्रम पड़े हुए, ब्रेड क्रम में कोट करके और फिर ये डीप फ्राई होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा फारूक भी आपको खाने का शौक है, कभी खुद भी आपने कभी कोई चीज़ बनाई? अंडा बना लेते हैं अगर बहुत ही इमरजेंसी हो और कोई मदद को आने वाला ना हो तो काम चला सकते हैं अंडा बनाकर, चाय बना लेते हैं, के बगैर भी किसी को बना लेते हैं वो भी हो सकता है, ये इफ्तार के बाद बात करें। अच्छा वैसे फारूक भाई आए हैं। अच्छा अर्शद भाई आपको वैसे खाना बनाने का शौक है? जी मैं बहुत अच्छा बनाता हूँ खाना। ओहो हमें पहले पता होता, हम चीजें मंगवा के रखते हैं अर्शद भाई से बनवाते, स्पेशली मैं यखनी पुलाव बहुत अच्छा बनाता हूँ। वेरी गुड। और क्यों ना खाएं इफ्तारी? क्या बात है। तो आप जरा देखें इफ्तारी अगर ऐसी कोई चीज है जो आप बना सकते हैं, चीजें देखने बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे, बिल्कुल हाँ बिल्कुल आ जाए आप किचन में आ जाए और साथ हमारी गेम भी खेलते हैं। और जी आ जाए जी, अगर आपके पास कीमा है तो खड़े मसाले का कीमा बनाते हैं। ना रुलाए मुझे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे रोना आ जाएगा। वैसे कीमा आप आ जाइए किचन में, आ जाइए आपको सब सामान मिल जाएगा, पीके मीट का कीमा मंगा लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जल्दी से बना ले फरानी की जिंदगी, जल्दी सेंड करें। चिकन का कीमा अवेलेबल है, अस्सलाम वालेकुम। क्या और मीट का बनाना चाहें तो मीट भी अवेलेबल मिल जाएगा, अगर चिकन हो जाए जरा जल्दी बन जाएगा। चले ठीक है, चले जी, चले जी। और अब जोरदार तालियां चाहिए क्योंकि अब हम बांटेंगे खुशियों का खजाना। इसके लिए सबसे पहले तो फारूक भाई इससे पहले कि हम गेम खेलें, पहले हम चाह रहे हैं कि फारूक भाई के हाथ से हम 2 उमरा टिकट्स जो है ना वो निकलवा लें, और उसके बाद अर्शद भाई आपको भी हम जिम्मे देंगे, आपको भी आना पड़ेगा फारूक भाई। जी जी फारूक भाई दोनों एक 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 उमरे की सादत जो डॉक्टर साहब ने निकाली है जिसको मिली है ये है 3750 क्या पानी चाहिए भाई? जल्दी से तब तक दूसरी निकालिए अर्शद भाई, आप भी तब तक जल्दी से आ जाइए, हम जल्दी से एक उमरा टिकट आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम फारूक भाई, ये आप इनको अपने हाथों से डिलक्स हॉलीडेज की जानिब से उमरा टिकट दीजिए। तब तक दूसरी उमरा टिकट का भी अनाउंस करते हैं, दूसरी टिकट है जनाब, तालियां होनी चाहिए भाई, जज़ाकअल्लाह। बहुत मुबारक हो आपको, 3059 आज देखते हैं क्या निकलता है। ठीक है जी, अभी आपको ओके जी, जोरदार तालियां, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। 3059 आ जाए भाई आ जाए आपको बहुत मुबारक, माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह जी, जबरदस्त चले, बहुत शुक्रिया। और अब जी भैया एक एक आप निकालिएगा, मैं देखता ही नहीं इस साइड, देखिए माशाल्लाह इस पे भी आज नाम नहीं लिखा हुआ। 4215 अर्शद भाई प्लीज मैं चाहूंगी आप आगे आए।
आ जाए माँ जी, बड़ी मुबारक हो आपको जी। आ जाइए अर्शद भाई, अर्शद की जानिब से ये उमरा टिकट आपके है। जोरदार माँ जी के लिए तालियां और मामा सांझियां। आगाज करेंगे हम अपने सेगमेंट खुशियों का खजाना का, जिसके लिए पहला सवाल है जी वॉशिंग मशीन के लिए। और जो वॉशिंग मशीन के लिए पहला सवाल है बिलाल भाई, और ये सवाल है हायर की, हायर के वॉशिंग मशीन है बिलाल भाई, वॉशिंग मशीन हायर की वॉशिंग मशीन के लिए जी। ये रमजान का महीना है और आपने जकात निकालनी, ये बताइए कि चांदी की आपने जकात जब निकालनी है तो चांदी का जो नसब है, जो वजन है, वो कितना है जिस पे जकात लगती है? पहले इधर से शुरू करें, राइट से, वो ये वो आंटी 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 वो आंटी 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 जी आंटी 52 तोले चांदी। 52 कितने होते हैं? 52 थोड़ा सा बढ़ाएं। 52.5 तोले जी जी जी, पीछे जाओ राम सम, वो कह रही 60 62 इसको अगर आप प्रिसाइस बता देना तो मैं कमाल कर देंगे। आप प्रिसाइस 62.3। आइए तशरीफ लाइए। 63 पे आपका, अरे क्लैपिंग नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा, बहुत आराम में आते हैं, जलना जरूरी है, क्यों जल रहे हैं भाई, दूसरों की खुशियों में खुश हो जाए। ये खुश है ऑरेंज दुपट्टे में, ये खुश हैं आप, मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं इस वक्त, आप सही खुश हैं लोगों की खुशी में जी। दूसरा सवाल है सिरिन एयरलाइन की रिटर्न टिकट के लिए कि कौन सा मुस्लिम मुल्क है जो कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा है? वाह वाह, वो पीछे पीछे भाई के पास, पीछे पीछे, ओ आप माइक ना छीने, क्या हो गया तहम्मुल, आज का टॉपिक सबर है। इंडोनेशिया रकबे के, नहीं नहीं फिर इन भाई को दे दीजिए, इन भाई को दीजिए जी, आपने भी ये देना था जवाब, आए हाय चले कोई बात नहीं जी। ये बहन पीछे पीछे वाले भाई को, कजाकिस्तान, दोबारा से बोलिएगा, कजाकिस्तान बिल्कुल सही जवाब, जोरदार ताली जी, नीचे आए भाजे। सरीन की रिटर्न एयर टिकट जो है वो आपका इनाम है। अगला सवाल है जनाब फोनिक्स की बैटरीज के लिए, तो मुझे बुला लीजिएगा, मैं काम करती हूं वैसे। दुनिया में कॉफी, ये जो कॉफी पीने वाली कॉफी होती है, ये सबसे ज्यादा किस मुल्क में पैदा होती है? इधर से जवाब हो गया, इधर से जाइए जी। हाँ जी जी, किसी से भी पूछिए जो, कीनिया। कहाँ से? कीनिया। कीनिया से, वहां चाय पैदा होती बेटा, चाय और कॉफी में मुझे लगता है फर्क है जी। और अच्छा, और एक जी जी, इंडोनेशिया गलत। बिलाल भाई जी, बेटा जी जी, थाईलैंड, बैंकॉक। अल्लाह का नाम ले बेटा, नहीं बिल्कुल भी नहीं जी। खैरियत है, रोजा लग रहा है आपको? कॉफी सबसे ज्यादा जी जी जी। अच्छा माइक इनको दे दें। अच्छा बांग्लादेश। अरे भैया ऑप्शंस लीजिए। अच्छा मैं एक हिंट देती हूँ बिलाल भाई, दीजिए ऑप्शन मुझे। आप मेरी क्या हो गया, आप तो लड़ने पे आ गए, माइक वापस दीजिए आप प्लीज। ऐसे नहीं हम खेलेंगे। आप भाई हमारे नीचे आ जाए, हमें आपसे बहुत प्यार है, हम नहीं चाहते आप जख्मी हो, खवातीन आपको चीरा झपटी में मारे। अच्छा जी हिंट आपको दे देती हूँ, चॉकलेट बड़ी मशहूर है, डार्क चॉकलेट की बात करते हैं ना तो उनकी बहुत बात करते हैं, फुटबॉल की जब बात करते हैं, इस तरह मैं हिंट नहीं दे सकती और जी। ओहो मेरे भाई सबसे, ओहो भाई मुझे लग रहा है आप उड़ने लग जाएंगे, आप उनके पास पीछे जो दाढ़ी वाले भाई हैं उन्हें उड़ना शुरू कर दें जी। ब्राजील। बिल्कुल सही जवाब, बैटरी अपनी ले जाओ आके। अच्छा अब ये जी फारूक भाई आप सवाल करेंगे, और ये सवाल है सरीन की रिटर्न ए टिकट के लिए। फारूक जी अच्छा ये बताइए कि अल्लामा इकबाल कब और कौन से शहर में पैदा हुए? कब और कौन से शहर में? आपने उनकी डर्ट पेट भी बतानी है। इससे आसान नहीं, मैं बच्चों से लूंगी। ये हमारी बहन, ये हमारी छोटी बहन, इनको छूट। और कब पैदा हुए थे? कब और कहां? कब और कहां? आपने कर लिया बेटा, आपने आते आते यूं ऐसे ना करें, किसी और को दीजिए। चले हम इनको सियालकोट पे दे देते हैं। और एक छोटी जानू बच्ची जो यहां से मैं बोल रही थी, तो मैं उसको जल्दी से जी पीके मीट के जाने से वाउचर भी ले आती हूं। बिल्कुल सही जवाब जी, जोरदार तालियां तो होनी चाहिए। अच्छा ये एनर्जी लेवल मुझे लग रहा है थोड़ा सा गिर रहा है,
ऐसा होगा तो मैं गेम कैसे खेलेंगे? खेलने के लिए तैयार है ना, भी और गिफ्ट रहते हैं। चलो जी, एक छोटे से वक्फे के बाद हम वापस आ रहे हैं। कहीं में जाएगा रमजान करीम। करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद, और हमारे एक बहुत ही प्यारे गेस्ट जो कि हमें कभी कभी लगता है हमारी समा फैमिली का हिस्सा ही है, सामाजिक कारकुन है और लोगों का दर्द बांटने में सबसे पहले सबसे आगे होते हैं। जोरदार तालियों में हम वेलकम करेंगे सारिम बर्नी को। सलाम अलैकुम सारिम भाई, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। सारे भाई गेम खेल रहे हैं जी, हम खुशियों को बताना है और आपने हमारे साथ गेम खेलनी है। जरूर। ये जरा दो सवाल है, मैं चाहूंगी इस विंग्स की तरफ चले जाएं, इस वाले विंग से, और ये आपने सवाल करने हैं। पहला सवाल जी है जी फोनिक्स की बैटरीज की जाने का सवाल है, आप वो जीतेंगे। ये ऊपर वाला, पहले ऊपर वाला करने हैं। कायदे आजम के वालिद का क्या नाम है? आसान। ये मेरी बहन ने सबसे छोटी सबसे पहले हाथ खड़ा किया था जी। ने आप पूछा, बिल्कुल सही जवाब, जोरदार तालियां। और एक और दूसरा, एक और वाला ये कीजिए कि फुटाइल के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के लिए सवाल है। सवाल ये है कि मच्छर के कितने दांत होते हैं? बताएं जी। 32 इंसान के होते हैं। तो कुछ लोग भी तो मच्छर ही होते हैं ना सारे भाई। चले, मैं क्योंकि सवाल इतना मुश्किल है, मैं जरा इस पे चेंज कर देती हूँ। नहीं, मगर ये होना चाहिए। नहीं, मैं इस पे गिफ्ट चेंज कर रही हूँ। अलमास ज्वेलर्स की जानिब से ज्वेलरी का गिफ्ट है, यहाँ से। जी जी मेरा भाई, कोई दांत नहीं होते। ऐसा नहीं है, मॉस्किटो के भाई ने कहा, मॉस्किटो के कोई दांत नहीं होते। जोरदार तालियां, बिल्कुल गलत जवाब। मैंने कहा था ये विंग मेरी इज्जत। जी मेरा भाई व्हाइट जो एम्पायर की तरह उंगली खड़ी कर रहे हैं जी। कोई दांत नहीं होते लेकिन उसका एक डंक होता है मेरे भाई। और उन्होंने भी ये सवाल दिया था, वही आपके लिए क्लैपिंग करवाऊं? हुक्म करें बहन को आप, मैं फौरन क्लैपिंग करवाती हूं आपके लिए। वैसे जवाब सुन के सब हैरान। अच्छा, रह ये तुक्का, अच्छा 60 से ज्यादा है। अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं और एक जवाब, ठीक है, बल्कि 3, 27, 37, 47। 37। आप कह रहे हैं 37। आप क्या कह रही है? 27। आपके कितने हैं? चले मेरे भाई, सबसे पहले आपने बोला था जरा नीचे आए, आ जाए नीचे, जल्दी आ जाए। और आप जीत गए मास ज्वेलर्स की जानिब से ये गिफ्ट। यहाँ पर जोरदार तालियां, 47 होते सबसे पहले जवाब दिया था। थैंक यू सो मच फारूक भाई आपका कि आपने टाइम निकाला अपने बिजनेस कैजुअल में से और हमारे पास है। हाँ, और जिस तरह से जितनी भरपूर तालियों में हमने फारूक भाई को वेलकम किया था, उससे भी कहीं ज्यादा तालियों में हम फारूक भाई को रुखसत करेंगे। जोरदार तालियां फारूक भाई के लिए। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, थैंक यू सो मच फारूक भाई। और इसके साथ ही मुझे ब्रेक लेनी, सारिम भाई इतना जबरदस्त कीमा हमारे बना रहे हैं ना अर्शद भाई। ओहो हो, अच्छा, ये हम याद हम खा के जाएंगे। इस ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे कहीं मजा आएगा रमजान करीम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम ब्रेक से वापस आ चुके हुए हैं। मैंने कहा मैं जरा सबको बता दूं कि हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। और ओहो अर्शद भाई ने जो खड़े मसाले का जो कीमा वो बना लिया है, खड़े मसाले का कीमा जो बैठ के खाते मैं चाहूंगी सर आप जरा हमारा जिप्स जरा शॉर्ट ले कि जो कीमा बना है, क्योंकि हमने इसमें चिकन का कीमा इस्तेमाल किया क्योंकि वो जल्दी बन जाता है, मटन का नहीं। हाँ, इसमें हमने आधा किलो चिकन का कीमा लिया और उसमें एक छोटी सी प्याज दरमियानी, उसको हमने पहले ब्राउन कर लिया जी। ब्राउन करने के बाद हमने उसके अंदर एक चम्मच अदरक और एक चम्मच
लहसुन का पेस्ट डाला है, ठीक है, उसके बाद हमने कीमा डाला इसमें, कीमा डाल के भुनाई की जी, कीमा कीमे का पानी जो है ना वो सुखाया है, और इसके अंदर चंद दाने जो है लौंग के, चंद दाने काली मिर्च के, एक मोटी इलायची, ये डाली ताकि कीमे का पानी जो है वो सूखे और उसके अंदर कीमे की खुशबू खत्म हो जाए, और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर डाले तीन टमाटर और चॉप करके, जी चॉप करके, और उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया, और 10 मिनट के बाद हमने इसको उतारा, मतलब ढक्कन उतार के हमने जो देखा आयल ऊपर आ गया, और जब आयल ऊपर आ जाए तो समझ जाए पक गया जी हाँ। अब इसके अंदर जो है हम ये हरा धनिया जी और हरी मिर्ची डाल दी हमने, ताकि हरी मिर्ची की खुशबू आ जाए, दरमियान से इसको स्लेट डाल के इसमें काट, अभी अदरक गार्निश करके के लिए, और ये हरा धनिया, और अच्छा हाँ ये जो जीरा है सफेद, इसको ऐसे नहीं डालना, इसको हाथ पे तली पे जो है ना, तली समझते हैं ना, ऐसे ऐसे हाँ ऐसे रगड़ के डालना, डाले ना जी जी डाले, ये बात आयशा वाशे, मैं सीख गई मैं सीख गई। अच्छा जी, अब ये कीमा हो गया आपका तैयार, और इसको आप डबल रोटी के साथ खा सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल रोटी मिलेगी, वैसे तो ये तंदूर वाले नान हो उसके अंदर आप खाएं, और ये आगे जनाब आपका धनिया, और ये आगे थोड़ा सा आपका गरम मसाला पिसा हुआ, और नमक जो है वो मैंने हसबे जायका डाला है, जिसको कम लगे वो ज्यादा डाल ले, ठीक है। और दूसरी जानब जो सुमेरा ने भी जो डिश बनाई थी उसको डिश आउट कर दिया है, हमने बनाया बारबेक्यू चिकन स्टिक्स जो अभी हम खाएंगे, साथ में जो गिफ्ट्स यहाँ पर आए हैं, बिलाल भाई वॉलंटियर्स बिलाल भाई प्लीज आइए, जी 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 बिलाल भाई कहाँ, जी बिलाल भी है, मैं हाजिर हूं, ये देखिए ओहो हो प्लीज, अब ये जी इसकी फाइनल शक्ल के बारे में अनाउंस कर दीजिएगा, जी जी मैं और मेरे वालों वेले हो मेरे खुदा जबरदस्त आ जाइए और साथ में जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं प्लीज आप लोग वहाँ बैठे रहिएगा, मैं आपको बताती चलूँ कि फर्स्ट है वॉकीज मरहबा, मौलवी कुकिंग ऑयल, इतिहाद कुटायल, मुखिया सोया सुप्रीम, अलमीन सॉल्ट लैम्प, माल्टा ऑयल, पीके मीट और वेस्टरो की जानिब से आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, अपनी जगह पे बैठे रहिएगा, ये सारे गिफ्ट्स आपको आपकी जगह पे ही पहुंच जाएंगे, मैं वॉलंटियर्स जी चले जी 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 वॉलंटियर्स चले जी اشهد ان حي على الفلاح
रमज़ान करीम ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद. और आज 17वें रमज़ान का रोज़ा भी इफ्तार हो गया है और हमारे इफ्तारी का जिन्होंने वसी तर ये दस्तरखान बिछाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करती चलूँ. मैं शुक्रगुजार हूँ कोक की, मैं शुक्रगुजार हूँ आबे दुबई की, रूह अफसा की, पाकोला की, स्मार्ट केचप मायोनीज की, मुगलिया की और दिलपसंद की और डेरी नजर हाँ और डेरी डे फ्रेश की भी, जिसके तवस्से से हमने दस्तरखान का बदोबस्त किया है. अल्लाह पाक जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जब रोज़ा इफ्तार किया करें हमारे लिए ज़रूर दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हम सब की ज़िंदगी मुश्किलात आसान करें. आज का जो हमारा टॉपिक है ये मुश्किलात में ही घिरा हुआ है, क्योंकि एक तरफ बात करें हैं सब्र की और एक तरफ बात करें हम जबर की. तो सब्र और जबर में फ़र्क तो ज़मीन आसमान का है. मेरा सवाल हमारे उलमा से ये है कि सब्र करने वाले को भी कब सिला मिलता है और क्या बहुत ज़्यादा सब्र करना है कि जुल्म के ज़ुमरे में नहीं आ जाता. साथ में जाबिर के लिए अल्लाह पाक ने क्या क्या वाह क्या कुछ रखा हुआ दोस्तों, ये पूछेंगे हम. अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले शेरिया साहब, शेरिया साहब उम्र में आ, क्योंकि आप बड़े, तो मैंने कहा पहले आपके पास आती हूँ मैं. बहरहाल उम्र में नहीं, खेल में भी बड़े, फजल में भी बड़े. मैं तालिब इल्म ही हूँ और कब्र तक तालिब इल्म ही रहूंगा इंशाल्लाह. माँ की गोद से कब्र की गोद तक बंदा तालिब इल्म ही रहता है. सब्र क्या है? अल्लाह ताला ने इतना ही कह दिया, फरमा दिया ना कुरान में, इन्नल्लाह मा सबरीन, कि मैं तो सब्र करने वालों के साथ हूँ. ठीक है ना, तकलीफ का पहला झटका लगते ही, तकलीफ का पहला झटका लगते ही अल्लाह की हमद बयान हो जबान से, ये सब्र है. तकलीफ पहुंची अल्हम्दुलिल्लाह, और तकलीफ पहुंचते ही उसके ऊपर वावेला मचा दिया, फिर वो सब्र ना हुआ. 100 आदमियों को सुना दिया, हाय मेरे साथ तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. लोगों ने कहा भाई सब्र कर. अबे भाई सब्र ही तो कर रहा हूं. जिसका मतलब है लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए. अपनी परेशानी शेयर करने से हमेशा बढ़ती है. हाँ अलबत्ता अगर वो कोई इसमें अब कैटेगरीज आएंगी जी, कि वो परेशानी जिससे आपको जाए लगे कि आगे जा करके नुकसान इतना बढ़ जाएगा कि ईमान पर भी खतरा पड़ जाएगा. जैसे फकर, हुज़ूर ने फरमाया फकर फका, ये कुफर तक ले जाता है. अब अगर आप इस पर सबर करोगे, उस वक्त तक सबर करोगे जब तक आपकी बर्दाश्त होगी. अब बच्चे हैं, वो सबर कितना करेंगे? बच्चों का तो वो सबर नहीं होगा ना. तो आप उसके लिए जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, दस्ते सवाल दराज करना पड़ेगा. अल्लाह से भी मदद मांगेंगे और अल्लाह ने जिसको तौफीक दी है उससे जाकर के आप सवाल करेंगे जी. एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ने नौजवान को देखा पट्टी बांधी हुई सर पे, बूटा पूछा बेटा क्या है ये? कहा जी वो सर में दर्द हो रहा था. मैं अरे जरा सा सर में दर्द हुआ, पट्टी बांध के जमाने को दिखा दिया तूने कि तुझे दर्द हो रहा है. जब तुझे अल्लाह ने सुख दिया कभी उसका भी ऐलान किया? अल्लाह ने तो इतने इनामात दिए कभी ऐलान किया? ये रवायत राबिया बसरी से मंसूब है, उन्होंने ये कहा हजरत सब्र करने में और तकवे में क्या फर्क होगा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. एक हदीस पाक है जिसमें इरशाद फरमाया गया कि अस-सब्र निस्फुल ईमान वा वल यकीन अल ईमान कुल्लु. आहा सब्र आधा ईमान है और यकीन और इत्मीनान ये पूरा और मुकम्मल. वाह 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 क्या बात है. तो यकीन की मंजिल जो है वो ऐसी आ जाती है कि जब इंसान जो कुछ मिले ज़ात परवरदिगार की तरफ से उस पर राजी रहे. और राजी होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर दो बातें आ जाती हैं. एक होता है कि इंसान जैसे तकलीफें आ रही हैं, मसाइब आ रहे हैं, या किसी ने ज्यादती की इंसान के साथ और उस पर सब्र कर रहा है और ये कहकर कि मैं सब्र कर रहा हूँ कि मैं उसको दूर नहीं करूँगा, जैसा मुझ पर परवरदिगार ने डाल दिया गया है वैसे ही मैं उस पर रहूंगा और सब्र करूंगा, तो इसकी भी मुमानियत की गई है. तो सुख में इंसान सब्र नहीं करता? मैं उसकी तरफ भी आ रहा था लेकिन अब इस बात को मैं मुकम्मल कर दूं कि उसको सब्र नहीं कहेंगे, क्योंकि परवरदिगार ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सअ, कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर उतना ही जितनी वो कोशिश करता है. तो कोशिश करना, मेहनत करना वो उसकी जिम्मेदारी है. जैसे रिस्क के लिए तलाश करना, कोशिश करना, ये उसकी जिम्मेदारी है. अब देने वाले ने अगर दे दिया तो उस पर शुक्र अंजाम दे, अगर नहीं दिया तो सब्र अंजाम दे. और मैं इस बात को कंक्लूड करूं फिर आपकी दूसरी बात की तरफ आऊं, वो ये है कि इंसान पहले अपनी पूरी भरपूर कोशिश करे किसी भी मामले के अंदर. अगर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है तो उसको दूर करने की पूरी कोशिश करे. लेकिन अगर इसके बावजूद ना हो सका और वो जो वाकया था वो माजी का हिस्सा बन गया तो अब उस पर राजी रहे. उस कजा व कदर पर राजी रहना ये दूसरा मरला आ जाता है. तो ये दो चीजें हो गई. उसके बाद फिर आपका जो सवाल था कि आसानी में सहूलत में इंसान सब्र नहीं करता, आसानी में सब्र करता या नहीं करता. कुरान करीम की आयत है कि इन्ना मअल उस्र युस्रा, कि परेशानी के साथ आसानी भी है
اور یہاں پر عام طور پر مترجمین نے جب ترجمہ کیا تو یہ ترجمہ کیا ہے کہ پریشانی کے بعد آسانی ہے, جبکہ بات کا لفظ استعمال نہیں ہوا. قرآن کریم میں عربی زبان کے اندر بات کا لفظ موجود ہے, لیکن یہاں پر لفظ استعمال ہو رہا مع, ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا, کہ پریشانی کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہے اور آسانی کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی ہے. جتنی بھی پریشانی ہوتی ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں آسانی کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے. جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں صبر کے ساتھ شکر کا پہلو ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. زیارت عاشورہ کا جب اختتام ہوتا ہے تو سجدے پر ہوتا ہے, اس سجدے کے اندر ایک دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم لک الحمد حمد الشاکرین لک علی مصابہم الحمد للہ علی عظیم رضیتی, پروردگارہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں, تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں اس بات پر کہ تو نے مجھے مشکلات میں رکھا ہے. تو مشکلات پر تو شکر ہوتا نہیں ہے. ایک کال پیش کروں حدیثن, بسم اللہ. میں جب خدا سے مانگتا ہوں اور وہ مجھے نہیں دیتا تو میں رب کا شکر ادا کرتا ہوں, مولا متقیان کا فرمان ہے, جب وہ مجھے دے دیتا ہے تو میں لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں. مولا متقیان کا یہ فرمان تھا کہ اگر پروردگار میری خواہش کے مطابق مجھے دے دیتا ہے تو میں ایک شکر ادا کرتا ہوں, لیکن اگر نہیں دیتا تو دو شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے مانگا اور میرے مصلحت میں نہیں تھا اس لیے اس نے روک دیا, اور دوسرا پروردگار میری مصلحت کو زیادہ بہتر جانتا ہے اور وہ اس پر راضی ہے لہٰذا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں. اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ, اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. یہ نفس مطمئنہ بنتا کب ہے؟ خود قرآن کریم نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, صرف یاد پروردگار وہ ہے کہ جس کے ساتھ دلوں کو سکون پہنچتا ہے. میں تھوڑا سا آپ کے وقت جی 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 دیکھیں یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ جب انسان آسائش کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اپنی مشکلات کو دور کرنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو جتنی بھی دنیا کے اندر آسائشیں موجود ہیں توجہ رکھیے گا وہ سب کی سب محدود ہیں بے شک, اور محدود چیز کبھی آسائش بن نہیں سکتی. محدود آسائش بن ہی نہیں سکتی. آپ جتنے بھی انوار انسان کے غذائیں لے کر آ جائیں وہ پھر بھی محدود ہیں, ہمارا شکم پھر بھی محدود ہے. میں بہترین مکان لے لوں, بہترین گاڑی لے لوں, جتنی بھی دنیا جہاں کی سہولتیں لے لوں, سب محدود ہے. صرف کائنات میں ایک ذات ہے جو لامحدود ہے, اللہ اکبر. اگر اس لامحدود کے ساتھ انسان نے اپنا لشکر جوڑ لیا اور وابستگی اس نے جوڑ لی پھر انسان کو سکون مل جاتا ہے. اور جتنا جتنا جوڑتا رہے گا اور جتنا جتنا اس سے قریب ہوتا رہے گا اتنی اس کی لذت میں اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کے شکر میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو حضرت پھر دنیا کے جو لوازمات ہیں اس کے لیے تو بے معنی ہوں گے نا؟ بالکل, وہ جتنا اوپر جائے گا یہ تو بے معنی ہوں گے. پھر یہ ہو یا نہ ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بالکل ایسا ہی, کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ پروردگار کی صرف یاد ایسی ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ لکل شیء حد, غالباً یہ کچھ الفاظ ہیں, لکل شیء یا لکل عمل حد الا الذکر لانه ليس له حد ينتهي اليه. پروردگار نے جتنے بھی اعمال بتائے ہیں ہر عمل کی کوئی نہ کوئی حد ہے, حتی نماز کی ایک حد ہے, روزے کی حد ہے, حج کی حد ہے, اس حد سے زیادہ وہ بڑھ نہیں سکتا. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے وہ یاد پروردگار, اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. جتنا انسان اس کے اندر غرق ہوتا رہے گا انسان کی لذت میں انسان کے شوق کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اور یہ انسان کو دنیا میں زندگی جو ملی ہو اسی لیے ملی ہے کہ انسان اپنی قیمت میں اضافہ کرے. آیت اللہ بیجت کے جملہ فرماتے ہیں کہ ما آمد ایم, فارسی زبان میں انہوں نے فرمایا ما آمد ایم زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم, نہ این کے بہر قیمتی زندگی کنیم. ہم اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں تاکہ ہر قیمت پر زندگی گزار لیں, بلکہ اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنی قیمت میں اضافہ کریں. کمال ہے یار, کمال ہے, واہ واہ واہ. 60-70 برس زندگی ملی ہے, اس سے نفس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے, اور جتنی قیمت میں اضافہ ہوگی خریدار وہ ہے. اس نفس کی قیمت پہ ایک حدیثن آپ کو روایت بھی کر رہا ہوں, اور یہی میرا سوال ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات جن کے لیے تخلیق ہوئی رحمت العالمین بھوک سے تنگ آ کے گھر سے باہر نکلے, بھوک سے تنگ آ کر باہر آئے تو حضرت ابو بکر بھی گلی میں پھر رہے تھے, تھوڑی آگے گئے تو حضرت عمر خطاب بھی ان کو مل گئے, تینوں بھوک سے تنگ آ کے باہر آئے. چلتے ہوئے پہنچے کہاں؟ حضرت ایوب انصاری کے, ان کے پاس سہل تھا, ان کا باغ تھا, ان کے گھر پہنچے, بیوی نے دیکھا کہ تینوں آئے ہیں, یقیناً کوئی ایسا مسئلہ ہے. اپنے خاوند کو پیغام بھیجا, وہ کھجوریں لے کر آئے. اتنی دیر میں اس نے بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذبح کیا, کھانا پکایا, جب روٹیاں بن گئیں, سالن بن گیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کو ہاتھ پہ رکھا, اس پہ سالن ڈالا, اور حضرت ابو ایوب انصاری کو کہا کہ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, میں نے اس کے گھر 3 دن سے چولہا جلتے نہیں دیکھا. وہ لے کے جانے لگے, یہ سوال ہے, 3 دن کی بھوک سوال نہیں ہے, یہ سوال ہے. کہا جب یہ فاطمہ کو دینا تو اس سے کہنا اللہ اس نعمت کا حساب لے گا, اللہ اس نعمت کا حساب لے گا. حضور 3 دن کا ہو بھوکا انسان,
भूखे बच्चे मैं देखूं कौन देखता है अपना चोरी नहीं करता। मैं नहीं मान सकता खुदा की कसम के सवाय खुदा की मर्जी के कोई ऐसा शख्स होगा जो रात को सारा नौकरी करे, सुबह उसकी बीवी सूत काटे और फिर वो कैदी को, गुलाम को और एक मुसाफिर को अपना खाना दे। नहीं मुमकिन होता। बिल्कुल ऐसे। ये सबर की हद क्या है, क्या है जहां पे मैं इसको जाके बंद कर दूं और अब सबर नहीं होगा? मुझे शरीयत किसी हद में रोकती है या नहीं? सबर कि आपने हद की हदबंदी सबर की हो ही नहीं सकती। अलबत्ता जो मैंने अर्ज की रसूल करीम अलैहि सल्लम की हदीस मुबारक के फकर जो है कुफर तक ले जाती है। हालांकि ये खुद फरमा रहे हैं अल फकर व फखरी, फकर तो मेरा फखर है कि मैं फखर करता हूँ कि मैं फखर। दो कायनात के सारे कायनात के मालिक व मुख्तार हैं और जब एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, कमीज उठाते हैं, यार रसूल अल्लाह एक दिन से फाका है, पत्थर बांधा हुआ है एक, सरकार अपना कुर्ता मुबारक उठाते हैं, फरमाते हैं देखो दो पत्थर है, मैं दो दिन से भूखा हूँ। तो आका दो जहां ने तो खुद अपना एक अमल करके अपना एक सिंबल दे दिया ना। लेकिन शाह जी ये नहीं होता कि जब इंसान सबर करता रहे और उस पर जबर होता रहे तो वो भी उस कुफर में उस वो तो शामिल है ना फिर। अब मिसाल आवाज उठाएगा ना, मैं माजरत के साथ एक अर्ज करूं जी बिस्मिल्लाह। आप सारे चैनल्स पर चले जाए इस वक्त, अभी मैं जब ट्रैफिक से निकला हूं तो इतना ट्रैफिक तो सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल, उस वक्त अच्छा हमारे यहां हमें आजकल बहुत अच्छा सबर सिखाने के लिए हमारा ट्रैफिक काफी है और हमारे हुक्मरान भी काफी है, ठीक है ना, सबर सिखाने के माशाल्लाह के ही कराची इलेक्ट्रिक वगैरह, अल्लाह इनको नजर ना लगाए आपके अल्फाज जी, ठीक है ना। अब ये हमें साबिर बना रहे हैं और मुख्तलिफ चीजें चलती, अब इतना नहीं नहीं मेरा सवाल मुकम्मल, मोटरसाइकिल इतना आप सड़क बना नहीं रहे, आप सड़कों में इजाफा कर नहीं रहे, 1000 मोटरसाइकिल अब जो है ना सड़कों पर आ जाएगी कराची के, 2000 से मोटरसाइकिल, इसका जब मैनेजमेंट नहीं करते तो फिर ये सबर नहीं है, ये क्या है? अब मैं ये कहूंगा जी मैं सबर करूंगा, मैं गाड़ी अगर चला रहा हूं, मेरा सिग्नल ग्रीन हो गया है, नाउ इट इज माई राइट टू हिट दैट पर्सन हु इज क्रॉसिंग या हु इज, यस तो कराची में लोग बचेंगे नहीं, नहीं बचेंगे, तभी तो सही होगा, तभी तो सही होगा। आप मुझे बताएं कल मेरा सऊदी अरब में सब देखा मैं, लिसन टू मी फर्स्ट, मेरी छोटी बहन, मैं अपना दुखड़ा भी सुनाऊंगी आपको, आपने भी बात की, आपने भी मुझे बात की ना, कल मेरा सिग्नल जब खुला अब मैं गाड़ी लेके बढ़ती दुनिया, अब लोग रुकते नहीं है यहाँ पे, मेरा सिग्नल बंद हो गया, मैंने कहा आपको मैं जहाँ, मैंने कहा मैं ये जहाद करूंगी और जहाज में ट्रक से मेरी माँ की दुआ ने मुझे बचाया, हाँ बच की, वरना तो मेरा रीगल चौक पर मैं रहता हूँ, रीगल चौक पर सदर, मेरे बच्चे जब मेरे साथ गाड़ी में बैठ जाए ना कहते हम कलमा पढ़ लेते हैं अबू, क्योंकि अबू ने रेड है तो हिलना नहीं है, बल्ले सामने से सड़क खाली है, और अबू ने नहीं जाना, अबू चले यार, नहीं नेवर एवर, आई वोंट क्रॉस द सिग्नल व्हेन इट इज रेड, जब ये ग्रीन हो गया देन आई विल नेवर स्टॉप, मैं नहीं रुकता, आया वो मेरे बहुत करीब से गुजर जाते हैं, मैं देखता भी नहीं हूं, मैं ये शो करूंगा अपने बच्चों को सिखाऊंगा, मैं मर जाऊंगा मेरे बच्चे ये अमल करेंगे, उनके साथ उनके दोस्त करेंगे, उनके अहबाब करेंगे, हाँ मेरा बाप टीवी चैनल पर ये बात करके गया था कि हाँ मैं अपना राइट लूंगा, राइट इज माइट, अगर मैं नहीं करूंगा तो फिर मामला खराब हो जाएंगे, ये जुल्म हो जाएगा, ये जुल्म हो जाएगा। बिल्कुल तायद करूंगा इनकी बात की, लेकिन सिर्फ एक जुमले के साथ कि अगर आम हालात होते तो वही करना चाहिए जो मुफ्ती साहब बयान फरमा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात अगर उसको आप आम हालात में कहेंगे तो वो मुख्तलिफ हो जाएगा। ये भी तो अच्छा जी, ये भी तो बड़ा आका बड़ा जुल्म है ना कि मैं टैक्स पूरा दे रहा हूँ, मैं बिल पूरा दे रहा हूँ, मैं सारी रकूम दे रहा हूँ उनकी जिनकी फैसिलिटीज मुझे नहीं मिल रही है, तो मैं अपनी आवाज को फिर कैसे बुलंद करूंगा? हाँ बिल्कुल, आवाज को बुलंद करने की बिल्कुल इजाजत है, और बिलखसूस वो पुराना जमाना था कि जब मौरूसी निज़ाम हुआ करता था और बादशाहत होती थी और शहजादों में मुंतकिल हुआ करती थी, लेकिन आज जब जमहूरियत है तो हम में से हर एक कसूरवार है कि क्यों ऐसे हाकिम के इंतखाब किया जा रहा है कि जिससे हम खुद नाराज हैं, उसमें खुद शामिल हूं क्योंकि मैंने ही उसका कसूरवार है। बिल्कुल ठीक है, वो पुराना जमाना था जब हम कह सकते थे कि हमारा बादशाह सही नहीं है, हमारा हाकिम सही नहीं है, लेकिन आज हम शिकायत नहीं कर सकते, आज हमें भी अख्तियार दिया गया, अब अपने वोट के जरिए सही अफराद को लेकर आए, लिहाजा मैं भी कसूरवार हूँ। वक्फा लूंगा, छोटा सा वक्फा लूंगा, वापस आते हैं, लेकिन वापस आके ना वक्फे से आपसे अर्ज करूंगा कि सबर किया जाए और इस सबर के दौरान आप अपना तहकीक का जो अमल है अगर उसको बंद ना करें तो खुदा आपको क्या अजर और सवाब देता है, जरा वापस आइए, इस पर अर्ज करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, रमज़ान करीम। हमारे साथ हकीम मेहदी साहब हैं और हमारे साथ
शरार दाऊ साहब है जो कि अभी थोड़े जज्बाती हो गए थे और गाड़ी सड़क पे, मैं अपने पूरे सेंसेस में बात कर रहा हूँ, हक बात कर रहा हूँ, सच बात कर रहा हूँ, तो जज्बाती होना तो मेरा फितरी अमल है। नहीं वो आप बिल्कुल बात सही, और आप सही बात करें, लेकिन एक जहाँ लोगों को तमीज ही नहीं हो फिर उसमें आप अकेले मुजाहिद बन के फिर उसका भी फायदा कोई नहीं है यार, आप लाइसेंस क्यों दे रहे हो ऐसे लोगों को? लेकिन रमजान में और ईद के करीब जो है उसमें थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें, वो ऐसा इवेंट होता है कि हम नहीं चाहते कि किसी घर पे रोना धोना हो, किसी के आपने टांग तोड़ दी हो, किसी का हाथ तोड़ दिया, मतलब ऐसे इवेंट के करीब जो है थोड़ा ख्याल रखें। आप लोगों से सवाल ले लें, आप में से कोई सवाल करना चाह रहे हैं उलमा इकराम से? जी बेटा, बाकी दिनों में विशक्त हो गया, हमारा कोई बच्चा माइक के साथ है किसी के पास? जी बेटा, मेरा अल्लामा साहब से सवाल है कि बाहमी ताल्लुकात में किस हद तक सबर और जबर किया जा सकता है, बर्दाश्त? सबर किया जा सकता है, सबर का तो ये रिश्ता ही सबर का बेटा, बाहमी ताल्लुकात, बाहमी से मुराद उनके मियां बीवी। इंसान सबर करने वाला हो तो जबर करने की इजाजत उसे नहीं होती, वो भी पूछना पड़ता है। हजरत, मियां बीवी के ताल्लुक में कहां तक सबर और कहां तक जबर? अच्छा सवाल, अच्छा ये जी बिल्कुल, मैं ये अर्ज करूं, इन्होंने इसकी इजाजत दी है मुझे, तो मैं अर्ज करूं कि ऐसा होता है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, कुरान करीम ने कहा कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, कि औरत जो है वो मर्द के लिए लिबास है और मर्द औरत के लिए लिबास है। लिबास का काम क्या होता है? लिबास के दो काम जो है वो बहुत अहम है, और तीसरा भी एक काम है। दो काम वो ये हैं कि जो अंदरूनी ऐब होते हैं लिबास वो छुपाता है, तो मर्द और औरत को चाहिए कि जो एक दूसरे के अयूब हैं उसकी पर्दापोशी करें। दूसरा काम लिबास का ये होता है कि जीनत देता है इंसान को, लिबास जीनत बख्शता है इंसान को, तो मर्द और औरत की जिम्मेदारी है कि एक दूसरे को जीनत बख्शे, रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें। और फिर तीसरा काम यह होता है कि जब सर्दियां होती हैं तो इंसान गर्मियों का लिबास पहनता है, यानी गर्म मोटा लिबास पहनता है, और जब गर्मियां होती हैं तो ठंडा लिबास पहनता है। इसका मतलब यह हुआ कि मिजाज के खिलाफ जाना पड़ता है कभी कभार, अगर सामने वाले को गुस्सा आ गया है, बर्दाश्त से बाहर निकल गया है और कोई ऐसी बात उसने कह दी है, तो यहाँ पर फर्ज बनता है कि इंसान ठंडा, जिस तरीके से लिबास ठंडा हो जाता है, इस तरीके से खातून को भी ठंडा होना पड़ता है, और इसी तरीके से बिलमुकाबिल भी है। और मैं एक और बात भी अर्ज करूँ कि जब इंसान लिबास को खरीदने जा रहा होता है तो हर दुकान पर लगे लिबास को नहीं खरीदता, वो लिबास खरीदता है जो इंसान के मिजाज के मुताबिक हो। बड़ी अच्छी मिसाल देके आपने बात की है। तो अब मैं ये बात अर्ज करना जा रहा हूँ कि जब रिश्ते की बात हो रही हो, लड़का लड़की के पास जा रहा हो या लड़की लड़के के पास जा रही हो, तो हर लड़के का इंतखाब नहीं हो सकता, हर लड़की का इंतखाब नहीं किया जा सकता, जो मिजाज के मुताबिक हो। किसी को शलवार कमीज पसंद है, किसी को पैंट शर्ट पसंद है, किसी को खास रंग पसंद है, किसी को दूसरा रंग पसंद है। इसी तरीके से ये कहा गया है रिश्ते के अंदर, ये मैं उन अफराद की बात बता रहा हूँ कि जो इस फील्ड के माहिर है, वो ये कहते हैं कि जितना अपने मिजाज से इंसान करीब होकर रिश्ता करता है वो ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आप शलवार कमीज खरीदने गए और आपको सूट का पीस मिल रहा है, तो ये मत कहिए कि मेरे पे बंदिश हो गई है, वो आपने शलवार कमीज खरीदना, सूट नहीं खरीदना। जी सवाल आपका। जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या हम दीन की तबलीग के लिए जबर का इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई जाती हादसा अगर पेश आया, दीन में कोई जबर नहीं, वैसे भी अच्छा, अगर तबलीग के लिए जबर, पैगंबर इस्लाम ने किया होता तो हम भी कर लेते, लेकिन पैगंबर इस्लाम ने 40 साल तक अखलाक का मुजाहरा किया है, तो हम भी अगर वो तपती गर्मी में 2:30 बजे घर की जो बेल बजाते हैं आकर, और आपको आधा घंटा उनके साथ बाहर गर्मी में खड़े होना पड़ता है, तो ये सवाब नहीं है? ये सवाब है, बिल्कुल सवाब है। और शहजादी कौनैन के बारे में मिलता है कि एक खातून आई उनसे सवाल करने के लिए, सवाल करके जाने वाली थी, कहा बीबी एक और सवाल भी है, एक और सवाल किया, फिर तीसरा सवाल, चौथा सवाल, करते करते 10 सवालात कर लिए, और 10 सवाल करने के बाद कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वालदा के भी कुछ सवालात थे, इंशाल्लाह अगर मौका मिला, जहमत ना हो तो मैं दोबारा आपकी खिदमत में। तो बीबी ने उसको जवाब दिया, कहा कि तू ये समझ रही है कि सवालात करने से मुझे जहमत हो रही है, ये मेरे जहमत का सबब नहीं बनता बल्कि मेरे दर्जात में इजाफे का सबब बनता है, और तुझे नहीं मालूम कि हर सवाल पर मुझे परवरदिगार ने कितनी नेकियां अता की हैं। दीन के लिए तो अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इकराह फी दीन, दीन में तो जबरदस्ती है ही नहीं। आप अब रही ये बात कि इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया तबलीग, कौम हमारी हो गई बड़ी सरकश, अच्छा। इनको तबलीग बड़ी मोहब्बत से करनी पड़ेगी, क्योंकि हुजूर की हदीस है, कल्लिमुन्नास अला कद्र उकूलिहिम, के लोगों से उनकी अकलों के मुताबिक कलाम करो, ये नहीं कि इंजीनियर के साथ खड़े हो गए आप जो है ना वो कुमार वाले की बात करिए। बच्चा मुझे इजाजत दे तो आपके बिहाफ पे एक सवाल और कर लूं मैं उलमा इकराम से। हजर, ये जो उलमा हमें यहाँ पे बैठ के डांटते हैं, ये तबलीग का तरीका ठीक है? नहीं, डांटने का डांट पड़ती है मेरी बात होती है बहरहाल। एक सवाल, जी 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 बेटा, जी सवाल कीजिए। जी बेटा, वालेकुम अस्सलाम।
جی فرمائیے کہ صبر اور جبر میں کیا فرق ہے؟ صبر اور جبر ہماری وہیں سے شروع ہوئی ہے. جب جبر کے درمیان کا فرق, جب جبر ہو رہا ہو تو صبر کرتے ہیں. بس سمجھ میں آ رہی ہے, پہلا فیل ہے یہ دوسرا فیل ہے. جی فرمائیے, پیچھے میرے بھائی ہیں. جی ایک سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں ہیں, خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ, حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تو ماشاء اللہ سے ہم تقریباً روزانہ ہی سنتے ہیں, تو کیا یہ اچھا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر تین صاحبزادیوں کا بھی جو ہے تذکرہ کیا جائے, جیسے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, آج ان کا یوم وفات ہے کیونکہ یوم بدر والے دن ہی ان کا انتقال ہوا تھا. تو میری میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء کرام جو ہے دیگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی ہیں. اس کا جواب علماء کرام نے نہیں دینا, اس کا جواب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں دوں. مجھے اور آپ نے بحثیت ایک فرد, بحثیت ایک مسلمان, بحثیت ایک شہری, بحثیت ایک باپ, بحثیت ایک شوہر, کس قوم نے منت مان کے روکا ہے کہ میں اپنے گھر میں یہ ذکر نہ کروں؟ کس نے روکا ہے؟ ہم سارا کا سارا ذمہ علماء کرام پہ ڈالتے ہیں, گھر میں ہم اپنے ذکر کو قائم نہیں کرتے. حضور یہ میرا اور آپ کا ذمہ ہے کہ میں اپنے محمد کی سیرت کو اپنے گھر میں قائم کروں. آپ نے ساری توقع جو ہے وہ ممبر سے اگر لگائی ہے تو آپ اس دنیا میں کیا کھیلنے کے لیے آئے ہیں؟ وہ بیٹیاں جو ان سے سبق لیں گی, جو بیٹے لیں گے, وہ بڑا ضروری ہے حضرت. بالکل ہے, البتہ یہ کہ جو انہوں نے خود بات بھی بیان فرما دی کہ جو شہزادی کونین کا مقام مرتبہ ہے, جو خاتون جنت کا مقام مرتبہ ہے, وہ تو کسی بھی خاتون کا نہیں ہے, حتیٰ جناب مریم کا, جناب خدیجہ طاہرہ کا اور دیگر خواتین کا, کسی کا بھی وہ مقام مرتبہ نہیں ہے جو سیدہ کائنات کا مرتبہ ہے. اس لیے سب سے زیادہ ذکر ان کا کیا جاتا ہے, حالانکہ سیدہ زینب نے بڑی تکلیفیں کاٹی. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں, البتہ جو میں فقہ جعفریہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمارے یہاں بھی دو قول موجود ہیں, اور زیادہ قوی قول یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کی صرف ایک ہی اکلوتی بیٹی تھی, جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور جناب خدیجہ طاہرہ ان کی یا تو لے پالک بیٹیاں تھیں وہ, یا خود ان کی اپنی بیٹیاں تھیں, سگی بیٹیاں تھیں, اور پھر ازدواج کے بعد وہ پیغمبر کی بھی اولاد کہلائی. تو جو مقام و مرتبہ, یہ اہل تشیع کے ہاں, یہ اہل سنت کے ہاں تصور, اہل سنت کے ہاں یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری جو اتنی بھی اولاد کریمہ ہے سوائے ایک بیٹے کے جو ماریہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے, باقی ساری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری, اور یہ صحیح سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, ہمارے اہل سنت کے نزدیک یہ سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. اور میں آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کا ایک حوالہ عرض کروں کہ جب فہرست بنائی ہے امام بخاری نے کہ کون کون سے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے, تو جب شہزادی فاطمہ زہرا کا تذکرہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں فاطمہ تو سلام اللہ علیہا, ان کے اوپر سلام ہو, جبکہ باقی خواتین کا جب ذکر کر کیا ہے تو کہتے ہیں رضی اللہ عنہا. تو خود مقام کے اندر فرق ہے, وہ سلام اللہ علیہا کہنے کے لیے. لیکن اس میں آپ کی بات بالکل بجا اور آپ کی سر آنکھوں پہ بات ہے, لیکن ایک جو بنیادی فرق ہے اہل تشیع میں اور اہل سنت میں, وہ یعنی بہت زیادہ, میں یہ اس بات کو فرق کو میں زیادہ بولڈ نہیں کرنا چاہوں گا. دو قول موجود ہیں, اور اس طریقے سے اہل تسنن کے اندر بھی دو قول موجود ہیں. اس بات کو اس میں کوئی اختلاف کا سبب نہ بنایا جائے, سبب ہی نہ بنایا جائے تو جی. سیرت ساروں کی ہمارے لیے سر ہمارے ہے, مشعل راہ ہے وہ. بالکل بالکل حضرت, جب جبر کی حد پار ہو جائے, رشتہ ہو, وہ حکومت ہو, وہ حاکم ہو یا جو بھی ہو, اس کی انتہا کی پہچان میں نے بحثیت ایک انسان کب کرنی ہے کہ میں کہوں گا کہ نہیں, اب اگر میں نے آواز نہ اٹھائی تو اب میں اس جبر کا حصہ ہوں؟ جب تک آپ کے ایمان پر زک نہیں پہنچتی کہ جس سے آپ کا خاندان, آپ کی فیملی, آپ کے عزیز و اقربا, تب تک میں برداشت کروں. آپ برداشت کریں, ایک حد تک برداشت کی اجازت ہے. تکلیف نہیں, اگر مجھے مسجد میں پانی نہ ملے نماز کے لیے, وضو کے لیے, تو یہ میں برداشت کروں؟ آپ برداشت کریں گے اس لیے کہ وہاں پر ایک مینجمنٹ ہے, آپ جائیں مینجمنٹ کے پاس. سر مجھے مینجمنٹ سے چھوڑ دیں, مجھے صرف شریعت بتائے, مجھے کیا کرنا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں, اور یہ احادیث کی روشنی میں عرض کروں کہ خود مولا متقیان کی چونکہ ضربت کی رات بھی موجود ہے اور اس کے بعد شہادت کی رات بھی آ رہی ہے, تو مولا متقیان کا وصیت نامہ ہے نہج البلاغہ کے اندر. وصیت نامہ نمبر 47 ہے, اس کا ابتدائی جو جملہ ہے وہ یہ کہ اوسی کما بتقوی اللہ و اللہ تبغی الدنیا و ان بغت کما ولا تأسف علی شیء منہا زوی عنکما قولا بالحق واعملا للاجر وَقُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا. اے میرے بیٹے حسن اور حسین, یاد رکھو ظالم کے لیے ہمیشہ دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے ہمیشہ حامی بنے رکھنا. آپ کی بات یہاں پہ کاٹنی پڑے گی, لیکن اس وصیت کی بات ہم انشاءاللہ ان دنوں میں بھی کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو گیا تو کٹ جائے گا. بہت شکریہ آپ کا, انشاءاللہ آپ لوگوں سے آج سحری میں ملاقات ہوگی. شاد رہیے, آباد رہیے, اللہ حافظ.